गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इस औरत की तो डिलीवरी होने वाली थी ना? हाँ, डिलीवरी तो हुई लेकिन बच्चा पैदा होते ही मर गया। ये बात इसे मालूम है? नहीं, इसे अब तक होश नहीं आया। इस औरत के जोड़वा बच्चे हुए हैं जी, इसे मालूम है? अभी तक तो बेहोश है, होश में आने पर बता देंगे। बताने की जरूरत भी नहीं है। शीला। यस डॉक्टर। इन जुड़वा बच्चों में से एक बच्चे को इस कमरे में शिफ्ट कर दो। व्हाट नॉनसेंस। नो कॉमन सेंस। एक गरीब रिक्शे वाला दो दो बच्चों की परवरिश कैसे करेगा? एक तो रंक रहेगा, दूसरे को तो कम से कम राजा बनने दो। शिफ्ट। ओके डॉक्टर। सर आप महान हैं, आपका इलाज करने का तरीका सबकी समझ में नहीं आ सकता। इलाज कहाँ समझ में आएगा, बकवास सब समझ में आएगी। डॉक्टर मूर्ति बीवी का जाने मियाँ की कदर, लेकिन तुम जानते हो, तुम समझदार हो। इलाज क्या होता है, मरीज ठीक हो जाए और उस मामले में मैं बेहिसाब लाजवाब और कामयाब हूँ। नो प्रॉब्लम। सम प्रॉब्लम। मेरा नाम क्या है? मुझे कुछ याद नहीं, मुझे कुछ। ये वही लड़की है ना जो समुन्द्र के किनारे से बेहोशी की हालत में लाई गई थी? मुझे कुछ याद नहीं, मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरी पहचान क्या है, प्लीज डॉक्टर। क्या रूम नंबर है तुम्हारा? 19। अंदर क्या कैबरे हो रहा है, जाओ अपने कमरे में। गुड मॉर्निंग। अच्छी है। इडियट। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा डॉक्टर, मेरा सर फट जाएगा, मेरा सर। देखो, इस हादसे की वजह से तुम अपनी याददाश्त गवा चुकी हो, तुम्हें एमनेशिया हो गया है, लेकिन डोंट वरी, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। ठीक है, मेरी याददाश्त खो गई है, लेकिन क्या इतनी बड़ी दुनिया में मेरा कोई नहीं है जो मुझे जान सके? अब तक मुझे मिलने क्यों नहीं आया कोई? इस लावर इस जिंदगी से बहुत अच्छी है डॉक्टर, बहुत अच्छी है। मैं जीना नहीं चाहती हूँ, मैं जीना नहीं चाहती हूँ। मुझे मार डालो, मुझे मार डालो, मुझे मार डालो। आइडिया। अरे नहीं, ये क्या? ओ सॉरी सॉरी। अब देखना मेरा आइडिया क्या कमाल करता है। शांत हो जाओ माय डियर, शांत हो जाओ। योर प्रॉब्लम इज नाउ नो प्रॉब्लम। तुम कौन हो, कहाँ रहती हो, क्या नाम है, सब पता चल गया है। थोड़ी देर पहले तुम्हारे पतिदेव यहाँ आए थे। मेरे पतिदेव? हाँ, तुम्हारे प्यारे प्यारे हस्बैंड। नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा कि मेरी शादी हो गई है। जब तुम्हें तुम्हारा नाम याद नहीं है तो शादी की बातें कैसे याद रहेगी? तुम्हारी शादी हो चुकी है और शादी के बाद की बाकी सारे बातें भी हो जाए। Oh God! दया, ये आप क्या कह रहे हैं? सावित्री, कहना सुनना बाद में। इसके पति ने मुझे इसके बारे में जरूरी बातें बताई हैं जो मुझे इससे बताना जरूरी है, इसलिए आप लोग बाहर जाइए, इंक्लूडिंग यू। प्लीज प्लीज ट्राई अंडरस्टैंड। जाइए जाइए, प्लीज गो सिस्टर, थैंक यू। इस वक्त कहाँ है वो? वो मैंने उसे कुछ जरूरी दवाइयां लेने बाहर भेजा है, शाम को 5 बजे तक आ जाएगा। लेकिन इतने दिनों तक वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? उसे गलतफहमी हो गई थी कि तुम किसी के साथ भाग गई हो, और इस सदमे के कारण उसने अपने आप को 10 दिन तक एक कमरे में बंद रखा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। फिर उसके जमीर ने उसे ललकारा कि तेरी पत्नी तो सती सावित्री है, वो ऐसा हरगिज नहीं कर सकती, जरूर उसका एक्सीडेंट वैक्सीडेंट हो गया होगा। फिर उसने एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, शहर का हर हॉस्पिटल छान मारा और फाइनली वो बेचारा यहाँ पर आ गया। नहीं नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। नो प्रॉब्लम, धीरे धीरे सब समझ जाओगी आशा। आशा? हाँ, दरअसल तुम्हारे पति ने तुम्हें इसी नाम से पुकारा था। तुम्हारी हालत देखकर बेचारा इस कदर रो रहा था कि उसकी दाई आंख से गंगा और बाई आंख से जमुना बह रही थी। अरे डॉक्टर मूर्ति, इधर आओ इधर आओ, तुम तो देख रहे थे ना, अब बताओ इसको किस कदर रो रहा था इसका पति। कौन पति? कौन पति? अरे वो आदमी जो फटा हुआ कोट पहन कर मुझसे बात कर रहा था, तुम तो देख रहे थे ना। कितना दर्द था उसके रोने में। बहुत दर्द था, बहुत दर्द था। देखा आशा, उसके दर्द से बेचारी की आंखों में अभी तक आंसू आ रहे हैं। यू कैन गो एंड रिलैक्स। ये लो। ये क्या है? नई साड़ी।
तुम्हारे पति को तुम्हें अस्पताल के कपड़ों में देखकर बहुत दुख हुआ, इसलिए उसने तुम्हारे लिए नई साड़ी खरीदी है। तुम इसे पहनकर बन सवर कर तैयार हो जाओ, वो शाम को 5 बजे तुम्हें लेने आ रहा है। ये लो, रख लो, रख लो, पहन लेना। क्या है, चुप करो। सुनो, जैसे ही वो लड़की नई साड़ी पहनकर बाहर निकले। नहीं नहीं सर, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? ओए अकल से पैदल, खोपड़ी के गटर में बात नहीं उतरी क्या? डॉक्टर साहब लड़की का यहाँ तक फोटो लेने के लिए कह रहे हैं, वो नहीं, क्लोज अप, क्लोज अप। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, आके तक पीछा नहीं छोड़ूंगा। क्यों, कब, कहां, इस तरह के फजूल के सवाल मत पूछा करो। सिर्फ इतना बताओ कि अमनीशा के पेशेंट के ठीक होने के कितने परसेंट चांस होते हैं? 50-50, या तो आ भी सकती है, नहीं भी। एग्जैक्टली, और अभी तक उसको कोई मिलने आया नहीं। फर्ज करो कि इस लड़की की यादाश्त वापस नहीं आती, तो फिर इसकी जिंदगी का क्या होगा? ये तो बात की बात है, लेकिन 5 बजे जब वो पूछेगी कि मेरा पति कहाँ है, तो किसे उसका पति बनाकर उसके सामने खड़ा करेंगे? नो प्रॉब्लम डार्लिंग, है एक मिस्टर बेचारा। सुनो बेटा, जय जय करो, जय जय करो, जय जय। अभी मम्मी को प्रणाम करो, चलो प्रणाम करो। अभी चाबी उठाओ, चाबी उठाओ, चलो। मैं तुम्हारे घर जा रहा था, डॉक्टर दयानंद ने तुमको बुलाया है अभी इसी वक्त। सॉरी डॉक्टर दयानंद, आप अपनी दया अपने पास रखिए, मुझे कांटों में मत घसीटिए, मैं ये नाटक नहीं कर सकता। अरे अरे, ये क्या कह रहे हो, तुमने तो सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह फैसला सुना दिया। मैं ही बेवकूफ था जो उस लड़की से कह दिया कि उसका एक पति है जो शाम को 5 बजे उससे मिलने आने वाला है। अब मैं किसे ले जाकर उसके सामने खड़ा करूं भाई? आप कुछ भी कीजिए, मुझे उससे क्या लेना देना, आप मुझे क्यों बलि का बकरा बना रहे हैं? अरे भाई, तुम बकरा नहीं, तुम बाप हो, और तुम्हारे पास तो एक रेडीमेड बच्चा भी है। तो? और तुम्हारी पत्नी भी नहीं है। हाँ तो क्या मामला फिट हो जाएगा? अरे जाइए साहब, मुझे बेवकूफ मत बनाइए, दुनिया में और भी तो रिश्ते होते हैं, ये पति का रिश्ता ही आप लोगों ने क्यों ढूंढ निकाला, भाई भी तो बना सकते थे। हाँ हाँ, बात रिश्ते की नहीं है, नीयत की है। डॉक्टर मूर्ति को देख लो, देखने में कितने शरीफ लगते हैं। मैंने एक लड़की को ये कहकर इनके पास रखवाया कि बेबी मूर्ति भैया से काम सीख लो, और मूर्ति भैया ने ये कमाल दिखाया कि आज उस बेबी के पेट में एक बेबी पल रहा है, और इनके इनके कारनामे दिखाऊंगा तो मूर्ति भैया इनके सामने शराफत का एक पुतला लगेंगे। लेकिन तुम ऐसे नहीं हो, तुम तो पति बनकर भी अपनी शराफत से। आप अपनी शराफत अपने पास रखिए डॉक्टर बाबू, मैं आपके मस्केबाजी में नहीं आने वाला। अब जाइए और किसी और को ढूंढिए। सर सर, 5 बज गए। ए मिस्टर, रुको। मैंने तुम जैसा खुद गरज आदमी आज तक नहीं देखा। एक बात बताओ, तुम ही ने उस लड़की को मेरे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था ना? जी जी जी, क्या कर रहे हो, जवाब दो ना। तो फिर मैं और क्या करता, वो बेचारी जख्मी हालत में समंदर किनारे बेहोश पड़ी हुई थी, इसलिए मैं तरस खाकर उठा लाया। अरे उठाकर कहीं और क्यों नहीं ले गए, 9 किलोमीटर दूर मेरे हॉस्पिटल में क्यों लेकर आए? बोलो। वो दूसरे अस्पताल ले जाता तो वो लोग पैसे मांगते, फिर क्या, फिर कहीं ऑपरेशन ऑपरेशन करना पड़ता तो मेरे दस्तखत लेते, और अगर उसे कुछ हो जाता तो पुलिस कैसे हो जाता और मेरी गर्दन फंस जाती। बहुत खूब, बहुत खूब, अपनी गर्दन बचाने के लिए हम सबकी गर्दन तलवार की धार पर रख रहे हो। मैंने सारे कायदे कानून ताक पर रखकर तुम्हारी खातिर उस लड़की का मेजर ऑपरेशन किया, मैं उसका इलाज कर रहा हूँ, तुम मेरी जरा सी भी मदद नहीं कर सकते हो। मैं क्या कर सकता हूँ? तुम चाहो तो सब कुछ कर सकते हो, लेकिन तुम करना नहीं चाहते। सिर्फ इंसान बनकर पैदा होना ही काफी नहीं है, इंसान के अंदर जमीर भी होना चाहिए। जिसके पास जमीर नहीं है वो इंसान नहीं, जानवर है। जानवर अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने वाला इंसान कायर होता है, कायर। तुम जिंदगी में कभी तरक्की नहीं करोगे, तुम सुधरोगे नहीं। Thank you.
अरे कोट का बटन लगाओ ना, क्या गुंडों जैसे तुम। आशा, आनंद, आनंद, आनंद तुम्हारा पति, तुम्हारी पत्नी अब बिल्कुल ठीक हो गई है, नो प्रॉब्लम। नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है कि इनको मैंने पहले कभी देखा है। देखिए कैसे आंखें चुरा रही हैं, जैसे इनके दिल में चोर हो। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, इसकी आंखें तो हैं ही चोरों जैसी। इसीलिए सुबह मैंने इससे पूछा था, भाई तुम जो इसे ये मेरी आशा कह रहे हो, कल को तुम्हारी तरह अगर कुछ लोगों ने इसे मेरी गंगा, मेरी जमुना, मेरी सरस्वती कहना शुरू कर दिया तो मेरा तो डब्बा गुल हो जाएगा ना। लेकिन फिर इसने एक ऐसी दिल को छू लेने वाली बात कही कि मुझे इसकी बात पर यकीन करना पड़ा। अरे अरे चुप क्यों भाई, आओ आओ बोलो ना, बोलो ना। वो सुबह वाली बात जो तुमने मुझे इसके बारे में बताई थी, बोलो। तुमने इसे चोर कहा ना, इसलिए बेचारा थोड़ा नर्वस हो गया। अब मैं बताता हूँ, इसने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब मेरी बीवी की दाएं जांग पर एक काला तिल है। और फिर इसने मुझसे पूछा कि पत्नी का ये राज सिवाय पति की दुनिया में और कोई जान सकता है। ये सवाल पूछकर इसने मुझे लाजवाब कर दिया। डॉक्टर। बोलो आशा। मैं अपने कमरे में जाकर देखती हूँ कि इसकी बात में कितनी सच्चाई है। आप इसे जाने नहीं देना। अगर तिल वाली बात झूठ निकली तो आप इस फ्रॉड को पुलिस के हवाले कर दीजिए, ताकि ये सारी जिंदगी जेल की चक्की पिसता रहे। घबराओ नहीं, नो प्रॉब्लम। ऑपरेशन के वक्त मैंने वो काला तिल देख लिया था। डॉक्टर, आप ये जो कुछ भी कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे हैं। हो सकता मेरे लिए ठीक ना हो आनंद बाबू, लेकिन इस लड़की के लिए यही ठीक है। चलो। क्या हुआ, टांग पर तिल नहीं है ना, कर दो इस फ्रॉड को पुलिस के हवाले। पुलिस। नो 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 डॉक्टर, इसकी बात सही है। इज इट, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व। अरे मुबारक हो, तुम पति बन गए, मतलब तुम अपने पति के साथ घर जा सकती हो। मुबारक हो, कंग्रेचुलेशंस, जाओ जाओ, चलो चलो भाई। वन सेकंड डॉक्टर। आनंद अपना पर्स दो। पर्स बटवा। पर्स? जस्ट गिव इट टू मी। ओनली 1000 रुपीज। ओनली 1000 रुपीज। सिस्टर। यस मैडम। ये लो बख्शीश, तुम लोगों ने मेरी बहुत सेवा की है, आपस में बांट ले। थैंक यू मैडम। ये लीजिए, चलो चलो। प्रेस का किराया देने के लिए मैंने ये 1000 रुपए किसी से उधार लिए थे, और इस रानी मारा ने टिप में दे दिए, इसके साथ मैं कैसे गुजारा करूंगा। तुम्हारे पैसों का प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा, मगर इतना याद रखना, इसको सच्चाई बताने की कोशिश मत करना, वरना ये खुदकुशी कर लेगी और इसका खून तुम्हारे सिर पर होगा। आनंद चलो, गो विद योर वाइफ, गॉड ब्लेस द कपल। कहानी तो तुमने शुरू कर दी डॉक्टर, लेकिन इसका क्लाइमेक्स क्या होगा? देखा है, मेरे लिए यहाँ की हर चीज नहीं है। ये तस्वीर कब खिंचवाई थी हमने? मुझे खुद नहीं मालूम। क्या तुम्हें भी नहीं मालूम? मेरा मतलब मुझे याद नहीं है तस्वीर मैंने कब खिंचवाई थी। अच्छा ये बताओ, इस तस्वीर में तुम तो बहुत खुश हो और मुस्कुराते हुए नजर आ रही हो, लेकिन मैं क्यों मुंह फुलाई खड़ी हूँ, बोलो ना। हाँ याद आया,
तस्वीर खिंचवाने के लिए तुमने एक नई साड़ी की फरमाइश की थी। मैंने कहा तुम्हारे पास इतनी पुरानी साड़ियां, उनमें से एक पहन लो। इतनी सी बात पर तुम थोड़ी सी नाराज हो गई थी। बच्चे की रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? घर में बच्चा है क्या? हाँ। हाँ? क्या हमारा बच्चा भी है? बोलो, क्या मैं एक बच्चे की माँ हूँ? मैं एक बच्चे का बाप हूँ। देखो, इस एक्सीडेंट में सब कुछ भूल सकती हूँ, लेकिन क्या ये भी भूल सकती हूँ कि मैंने एक बच्चे को जन्म दिया है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। गॉड, मैं तो पागल हो जाऊंगी। मेरी हालत भी कुछ ऐसी है। चलो माना, मैं बच्चे को भूल सकती हूँ, लेकिन बच्चा तो मुझे नहीं भूल सकता है ना? मेरी गोद में आने के बाद भी रोता चला जा रहा है। हा? शायद इसे भूख लगी है। मैं भी आया। चलो। ओ ले ले, नहीं 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 नहीं, अच्छे बच्चे रोते नहीं है। नहीं 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 बाबा, मेरा राजा, मेरा बेटा। ओ ले 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 ले, मेरे बाबा को भूख लगी है। हाँ, चलो चलो चलो, ठहर ठहर। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट बाबा, एक मिनट। अरे क्या हुआ? नहीं बाबा, नहीं नहीं। राम 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 राम। क्या हुआ? तुम तो ऐसे चौंक गए जैसे कोई अंधे की चीज देख ली हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, मुन्ना क्या एक साल का हो गया? अभी 2 महीने बाकी हैं। आम तौर पे बच्चे 1.5 साल तक माँ का दूध पीते हैं ना? हाँ हाँ, कुछ बच्चे 2 साल तक भी पीते हैं। मैंने 3 साल तक पिया था। फिर मुन्ना दूध क्यों नहीं पी रहा है? अरे तुम्हें दूध आएगा तो पिएगा ना? क्या? मेरा मतलब एक्सीडेंट में सूख गया होगा। क्या बकवास कर रहे हो? एक्सीडेंट में ऐसा भी होता है क्या? तुम्हारा केस बहुत अजीब केस है, इसमें कुछ भी हो सकता है। और सोनू को बोतल के दूध की आदत पड़ गई है, और गिलहरी की तरह उसके आगे के 2 दांत भी निकले हैं। हमका रिस्क मत लो और चुपचाप ये बोतल का दूध पिला दो। मिस्टर नटवरलाल, डॉक्टर ने कहा आज आप डिस्चार्ज कर दी जाओगे। मालूम है। आपका बिल 16,675। मैं कौन हूँ? मेरा नाम क्या है? अरे कौन सी जगह है? अरे मेरी यादाश्त खो गई, मुझे अमनीशिया हो गया, मुझे अमनीशिया हो गया डॉक्टर, मुझे अमनीशिया। ओ गॉड, डॉक्टर क्या एक और पेशेंट को अमनीशिया हो गया? कौन है वो? रूम नंबर 19 वाला। ओ नटवरलाल, मैं कौन हूँ? मेरा नाम क्या है? मैं कौन से देश में पैदा हुआ? लंदन में, रूस में, रोम में? अरे मेरी यादाश्त, अरे मेरी यादाश्त। हेलो, आप कौन है? आप इस होटल के मालिक हैं? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मुझे अमनीशिया हो गया, मुझे अमनीशिया हो गया। रिलैक्स रिलैक्स नर्स, आजकल बाजार में किडनी की क्या कीमत है? यही कोई 50,000। बिल नहीं देता तो कोई बात नहीं, बिल के बदले में इसका ऑपरेशन करके इसकी एक किडनी निकाल। डॉक्टर ऐसा मत करना, मैं पहले एक किडनी बेचकर खा गया हूँ, आप दूसरी भी निकाल लोगे तो मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। होटल का मेरा मतलब है हॉस्पिटल का बिल किधर देना है? नीचे। हेलो, आरामी लगता है। ये इतनी रात को इसने क्या दुकान लगा रखी है? अरे जो भी हो, मुझे क्या, एक सवाल करूंगा तो 100 सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। बाथरूम में, इससे पहले कि यह बाथरूम से निकले मुझे यहां से खिसक जाना चाहिए। वेल डन मिस्टर आनंद, वेल डन। तुम बाथरूम? अब मुझे पता चला कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कितना प्यार, कितना अपनापन और कितनी इज्जत है। सुबह तो तुम अच्छी वाली थी, ये अचानक क्या हो गया तुम्हें? मुझे तुम्हारा असली रूप मालूम हो गया। सुबह डॉक्टर ने ठीक ही कहा था। क्या कहा उस पागल ने? पागल वो नहीं, तुम हो। इसीलिए जब मैं गुम हो गई थी तो तुमने सोच लिया कि मैं किसी पराए मर्द के साथ भागी। जी जी जी, कैसी बात? डोंट ट्राई टू एक्ट टू स्मार्ट।
तुमने मुझ पर बहुत जुल्म किए होंगे, मुझे मुझे गुलामों की तरह रखा होगा। तभी तो इतनी साड़ियों में मेरे पसंद की एक साड़ी भी नहीं है, और ये जेवर सारे के सारे ओल्ड फैशन की है। तुमने जबरदस्ती अपनी घटिया पसंद मुझ पर थोपी होगी और मेरे तंग आकर खुदकुशी करने की कोशिश की होगी, इसलिए आज मेरी ये हालत है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या ऐसी बात नहीं है, तो फिर यहाँ आकर अकेले सोने का क्या मतलब है? There is our bedroom, there is a bed, I'm your wife, then why is this stupid thing here, huh? Speak out, Anand, come on, speak out. वो क्या है कि डॉक्टर ने कहा है कि तुम अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुई हो, इसलिए हमें कुछ दिनों के लिए अलग सोना चाहिए। नो, मैं नहीं मानती। हमारी शादी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज, हम एक दूसरे से प्यार करते थे या इसी तरह झगड़ते रहते थे। ये सब बातें जब तक तुम मुझे साफ साफ नहीं बताओगे, मैं इस घर के अंदर कदम नहीं रखूंगी। अरे अरे सुनो तो हाशिम, देखो तुम्हारी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है, क्या होश में भीगोगी तो तुम्हें बुखार आ जाएगा। प्लीज अंदर आकर सो जाओ। मैं तब तक अंदर नहीं आऊंगी जब तक तुम मुझे हमारी शादीशुदा जिंदगी के बारे में नहीं बताओगे। साथी मेरे, मिलन में मिठास तभी आएगी जब हम आपस में दिल खोलकर एक आध घंटा बातें करेंगे। सुहाग रात में देर हो जाए तो आपको कोई एतराज तो नहीं? आपकी आशा। प्यारी आशा, जीवन की मिठास बढ़ाने के लिए मैं एक घंटा तो क्या, एक महीने तक बातें करने के लिए तैयार हूं। तुम्हारा आनंद। साथी मेरे सुन तो जरा। हाँ मैं सुन रही हूं, बोलो। तुम चुप क्यों हो गए? बोलो बोलो ना। साथी मेरे सुन तो जरा, लेंगे हजारों जन्म, होंगे जुदा ना हम, तेरी कसम। हाँ होंगे जुदा ना हम, तेरी कसम। अब तुझिया बसम नहीं, कसम नहीं, रस्म नहीं, खुशियाँ लेके फिर आया मौसम। साथी मेरे सुन तो जरा, होंगे
जैसे धरती से गगन, जैसे चंदा से किरण, ऐसे मिले हम दो बदन, जैसे सावन से घटा, जैसे खुशबू से हवा, सपने नए सजने लगे, नगमे नए बजने लगे, अब आओ छेड़े मिलके सरगम, साथी मेरे सुन तो जरा, साथी मेरे सुन तो जरा, लेंगे हजारों जन्म, होंगे जो दाना हम तेरी कसम, होंगे जो दाना हम तेरी कसम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आँख खुल गई तुम्हारी? आओ देखो, मैंने तुम्हारा सारा नाश्ता तैयार कर दिया, गर्मा गर्म पूरी और कमाल के छोले बनाए। मैं तुम्हें चाय दे देता हूँ और तुम नहा धो के फ्रेश हो जाओ, जब तक मैं तुम्हारा दोपहर का खाना भी तैयार कर दूंगा। ये सब काम तो मुझे करने चाहिए, तुम क्यों कर रहे हो? नहीं नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें 3 महीने तक कंप्लीट रेस्ट करना चाहिए, कोई काम नहीं, सिर्फ आराम। तुम कितने अच्छे हो, मैंने बिना सोचे समझे कल रात तुम्हें न जाने क्या क्या कह दिया। I'm sorry. कोई बात नहीं, ये लो। थैंक यू। थैंक यू के लिए ये जगह, तो बाकी चीजों के लिए बेटा आनंद तेरी खैर नहीं। दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस। गुड मॉर्निंग बॉस। अबे डुमडुम के बच्चे, यहाँ बैठे बैठे मक्खियाँ मार रहा है, और कोई काम नहीं है तो कम से कम मशीनें तो साफ कर दिया कर। अरे बॉस, मशीन साफ करने से क्या होगा, अपन की किस्मत पे जो कचरा पड़ा है पहले वो तो साफ करो। अबे चुप है, बहुत बकबक करने लगा है, सुबह से कोई ग्राहक नहीं आया क्या? आए तो बहुत है बॉस, लेकिन यहाँ नहीं वहाँ देखिए। अभी आती होंगी हमारी बॉस ब्यूटी मैम साहब, इसे आप खेलेंगे ठंडा या गरम? देखा वो लोग कितने प्यार से, कितने तरीके से, कितने सलीके से अपने कस्टमर को खुश करते हैं, लेकिन तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हारे मुंह में जबान है कि नहीं? अरे बॉस अली जबान से क्या होगा, उधर का मशीन सब नया मॉडल का है, एकदम फिट फाट, और ऊपर से चलाने वाली भी सुंदर सुंदर लड़कियाँ। बॉस मैं तुमको कितनी बार बोला, दो चार सुंदर छेल छपीली तुम भी काम पर रख लो, लेकिन तुमको तो हम पे भरोसा ही नहीं ना। मेरे सामने तो बहुत जबान चलाता है, वहाँ जाके चिल्लाना कि हमारे यहाँ छपाई आधे रेट में होती है, जा बोल बोल। सुनो सुनो भाइयों, यहाँ हर किस्म की छपाई आधी कीमत में होती है, मेहरबान कदरदान आइए आइए, ठीक है ना बस? आधी कीमत तो क्या, मुफ्त में भी हमें नहीं चाहिए। अबे और डुमडुम के बच्चे, सड़क पे जाने वालों को बुलाना, हमारे कस्टमर्स को बुलाएगा तो तेरी ऐसी की तैसी कर दूंगी। अरे हमको बच्चा समझ के रुबाब मारती है, अंकुश दिखने में भले छोटा होता है मगर बड़े बड़े हाथियों को काबू में कर लेता है ना बॉस? अरे मैं तो तेरे सामने बच्चा हूँ, मुझे ये सब क्या मालूम। जब एक बेटी अपने सगे बाप से ये सवाल करे कौन है आप, तो बाप रोने का अलावा कर ही सकता है। क्या आप मेरी डैडी हैं? हाँ, तुम्हारा एक ही बाप। सॉरी, एक एक्सीडेंट में मैं अपनी आदर्श खो बैठी हूँ। मालूम है, सब मालूम है, इसीलिए तुम्हारा ये बाप बड़े प्यार से तुमसे मिलने आया है।
ये लो बेटी केले खा लो। बेटी डैडी, ओ गॉड, आप जिंदा हैं, सही सलामत हैं, फिर मेरे पति ने ऐसा क्यों कहा कि आप मर चुके हैं? क्या तुम्हारे पति ने कहा कि मैं मर चुका हूँ? हाँ, इतना बड़ा झूठ क्यों कहा उन्होंने? क्या बताऊं बेटी, तुम्हारे दहेज में जितना सोना देने का वादा किया था उसमें सिर्फ 2 तोले सोना कम दे पाया। बस इतनी सी बात पर दामाद जी नाराज हो गए। पता मुझसे क्या कहा कि मैं तुम्हारी सूरत तक नहीं देखना चाहता, तुम आते वेले मर चुके। माय गॉड, इतनी नीच हरकत की उन्होंने आपके साथ। आने दीजिए उनको, ऐसी खबर लूंगी मैं उनकी। नहीं नहीं, ऐसा कसम मत करना, मत करना। बेटी, क्या तुम्हारा बोझ कम है उस पर? उसे पता चलेगा कि उसका ससुर यहाँ आया था तो उसे झटका लग जाएगा। बेटी, मैं तुमसे मिलने आया था, तुमसे मिल लिया, अब मैं चलता हूँ बेटी। अरे डैडी, मैं आपको ऐसे कैसे जाने दूंगी? खाना खाकर ही जाना होगा, ठीक है? डैडी, आप क्या इसी तरह हमेशा खाने से पहले भगवान को प्रणाम करते हैं? भगवान को नहीं बेटी, दामाद जी को, जो मेरे लिए भगवान से भी बढ़कर है, अन्नदाता है। जय हो दामाद जी की। क्या शुरू आइए। धीरे धीरे। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। हाँ डैडी डैडी, सुपारी बाद में खाना, पहले बादाम का शरबत पी लीजिए। राम 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 राम, ये मनोज चांदी की केतली अभी तक इस घर में है। मनोज केतली? अरे बेटी, तुम्हें तो कुछ भी याद नहीं, इसी केतली की वजह से इस घर की खुशियों को ग्रहण लगा है, इसी की वजह से। फेंक दो इसको, फेंक दो। अरे ये क्या किया आपने? केतली क्यों फेंक दी? बेटी, तुम्हारे एक्सीडेंट में इसी मनोज केतली का हाथ था। उफ, कितना भयानक एक्सीडेंट था, सोचते मेरा दिल काम पड़ता है। राम 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 राम। रोमियो है नाम मेरा, चोरी है काम मेरा। क्या बात है? क्या दुनिया में इंसान के लिए पैसा ही सब कुछ होता है? ये मैंने कब कहा? ये मैंने कब कहा? दहेज मांगने वाले मर्द को तो डूब मरना चाहिए। मैंने तो दहेज में एक पैसा भी नहीं लिया। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। अरे क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो, साफ साफ बताओ बात क्या है? मेरे डैडी आए थे। क्या? तुम्हें डैडी आए थे? भगवान का लाख लाख शुक्र है, गॉड इज ग्रेट। कहां है तुम्हारे डैडी? कहां है तुम्हारे डैडी? डैडी, जब तुम उनकी सूरत नहीं देखना चाहते तो क्या वो तुम्हारे लिए यहाँ बैठे रहेंगे? मतलब दहेज में तुमको थोड़ा सा सोना कम क्या मिला? तुमने मेरे डैडी को जीते जी मार डाला। ये क्या बकरी हो तुम, सोना दहेज? तुम भले ही मेरे पिताजी से नफरत करते हो लेकिन वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए 2 केले लेके आए थे, एक तुम्हारे लिए एक मेरे लिए। केले? एक तुम्हारे लिए एक मेरे लिए? जरूर कुछ गड़बड़ है। अरे मेरी माँ, तुम्हारे पिताजी के यहाँ आने के बाद से जाने तक क्या क्या हुआ मुझे साफ साफ बताओ। मेरे डैडी को चोर कहा तो? अरे वो तुम्हारा डैडी नहीं, कोई 420 था, उसने तुम्हें 2 केले क्या दिए, तुमने चांदी का बर्तन उठा के दे दिया। खैर जो होना था सो हो गया, ये बात किसी को बताना मत वरना लोग ये समझेंगे कि 2 केले देने से ये बेवकूफ लड़की कुछ भी उठा कर दे देगी, फिर लोग केला नहीं पूरा केले का छाड़ उठा कर ले आएंगे। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे कि इतनी बड़ी रकम मैंने तुझे उधार दी, और उधार लेते वक्त तूने कहा था कि 1 महीने में वापस करूंगा, आज कई महीने हो गए, मुझे तो तेरी नियत में खोट लगती है, खोट। सुनिए आहिस्ता बोलिए, अगले महीने शादी का सीजन शुरू हो रहा है, मैं किसी भी तरह। बहाने मत बनाओ, शादी की बात तो रही दूर, तेरी इस मनहूस प्रेस में क्रियाक्रम के कार्ड छपाने भी कोई नहीं आएगा। डुमडुम तू चुप रहे। कैसे चुप रहेंगे बॉस, हमारा भी तो 3 महीने का पगार बाकी है, क्या हम भी इसकी तरह गाला फाड़ फाड़ के आसमान सिर पे उठा रहे हैं? अबे ओए, ज्यादा बकबक करेगा तो खींच के दूंगा, 32 बार आ जाएगी। मेरी 32 निकालेगा, निकाल। अरे अरे डुमडुम क्या? बॉस तुम चुप बैठो। अरे सेठ, हम तुझसे छोटे हैं, डर जाएंगे, चाकू नहीं डरेगा, चीर के रख देगा। तुम क्या कर रहा तू? बॉस तुम चुप बैठो, मेरे सर पे खून सवार है, चल। मेरे पैसे तुम बाद में चुकता करना,
पहले शैतान के बच्चे को दुकान से बाहर करो। क्या बोला? क्या सोच रहे हो बॉस? यही ना कि डुमडुम का 3 महीने का पगार बाकी है, कहीं ये फिर से चाकू ना उठा ले। मगर घबराइए मत बॉस, आपका नमक खाया है, हम आपके साथ थोड़ी ऐसा करेंगे। मैं तो सोच रहा हूँ ये प्रेस बंद ही कर दूँ। ये भी ठीक है, प्रेस से 1 पैसे की आमदनी तो होती नहीं, लेकिन फिर करोगे क्या वही समुद्र किनारे वाली पुरानी नौकरी? नहीं डुमडुम, मैं दोबारा उन लहरों से टकराना नहीं चाहता, उसी नौकरी ने तो मेरा सब कुछ छीन लिया। तो फिर घर में मेरी बीवी के पुराने जेवर पड़े हैं, उन्हें बेचकर मैं नया बिजनेस शुरू कर दूंगा। ये अपना ही घर है ना डुमडुम? मैं भी यही सोच रहा हूँ बस। हाय अनु, How do you like my new dress? Isn't it pretty? अच्छी है ना? और ये सब देखा, मेरे पूरे घर को मॉडर्नाइज कर दिया। अरे ये तो कुछ भी नहीं, अंदर आके देखो ना। I have not another thing to show. बॉस, बाहर से तो तुम बड़े भोले भाले लगते हो, लेकिन अंदर से तो छुपे रुस्तम निकले। क्या बकरा? ये क्या लफड़ा है? ये नई चीज कहाँ से पकड़ के लाए हो? अरे यार ये बहुत लंबी कहानी है, बाद में फुर्सत में समझाऊंगा, ठीक है? बॉस, समझने वाले समझ गए, ना समझे वो अनाड़ी है। लेकिन बॉस कुछ भी हो, ये चीज बड़ी है, मस्त मस्त। ये खेलना मत कर, चुप बैठ, समझा? आनंद, आनंद ये देखो सोनू के लिए ढेर सारे खिलौने लेके आई हूँ, देखो कैसे एंजॉय कर रहा है। और ये सब सोनू की ड्रेसेस, इधर आओ ना। एंड दिस इज फॉर अस, एकदम मॉडर्न। इसमें एक चीज नोट की तुमने? ए ए आशा आनंद। मेरी खुद डिजाइन करके बनवाई है। ये सब खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? आनंद उस दिन मैंने कहा था ना, मेरे सारे जेवर आउट ऑफ फैशन हो गए हैं, इसलिए एक भी नहीं छोड़ा, सब बेच दिए। अब लौटी चले चले। आयो? Oh God, ये क्या अनु? हम यहाँ पिकनिक मनाने आए हैं या माता मनाने? ये फुटबॉल की तरह मुंह फुलाई क्यों खड़े हो? हाँ बोलो ना, क्या हुआ क्या हुआ? वो देखो वो लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं, तुम्हें तो जिंदगी का मजा लूटना ही नहीं आता। मैं तो खुद लूट चुका हूँ। अच्छा अच्छा, कम से कम मुझे तो एंजॉय करने दो। क्या मैं तुम्हारी महफिल में शामिल हो सकती हूँ? थैंक यू। आई एम आशा। हेलो, हाय। गुड बियर। बहुत दिनों से बियर नहीं पी। एंकर इंपोर्टेड है? सॉरी। एक बात बताऊं यार, हमारे देसी माल जैसा नशा इसमें नहीं होता, 4-5 कैन पियो तब जाके थोड़ा सा फर्क पड़ता है। अरे ये गिटार पड़ी हुई है, कोई बजाता नहीं, कोई गाता नहीं। अरे रॉकी नहीं आया ना? रॉकी हमारा फ्रेंड, बहुत अच्छा गाता है, बहुत अच्छा बजाता है। वो देखो लेडी स्पेशल आ गई। जिस वक्त रॉकी होता है ना, तो इन रंग बिरंगी तितलियों को देखकर ऐसा गाता, ऐसे धूम मचाता कि मजा आ जाता। ऐसा क्या? हम भी रॉकी का बाप है, अब देखो हम क्या करता है। अब थोड़ा सा चार्ज मार लो। Thank you.
शीला माला बेला लीला रीता गीता सीता जूली सीमा पारो नीमा नीता पीता मीता शीला माला बेला लीला रीता गीता सीता जूली सीमा पारो नीमा नीता पीता मीता बड़ी मुश्किल में हूँ दिल में बसा मैं किसे लगी मुझे सुंदर हर लड़की वो पैसे वाली या कड़की लगे मुझे सुंदर हर लड़की ओए होए वो पैसे वाली या कड़की देखा तो कितनी हसीन थी आगे से देखा तो बिगड़ी मशीन थी नजर में तेरी खुली है मस्ती अदा निराली है अदा निराली है हे सुना है मैंने सुना है तेरा ब्रदर मवाली है ब्रदर मवाली है निगाहें कहीं तो कहीं है निशाना तेरा कोई है गाड़ी चढ़ी चढ़ी है किसी की साड़ी लगे मुझे सुंदर हर लड़की पैसे वाली या कड़की लगे मुझे सुंदर हर लड़की पैसे वाली या कड़की हे शीला माला बेला लीला रीता गीता सीता शीला माला बेला लीला रीता गीता सीता जूली सीमा पारो नी मनीता प्रीता मीता जूली सीमा पारो नी मनीता प्रीता मीता चीकु केला नी बुना स्पाती या पपीता बड़ी मुश्किल में हूँ दिल में बताऊँ मैं किसे लगे मुझे सुंदर हर लड़की पैसे वाली या कड़की लगे मुझे सुंदर हर लड़की पैसे वाली या कड़की उस लड़की के लिए अपने पैसों की अर्थी नहीं निकाल सकता नहीं डॉक्टर साहब मेरे घर के सारे जेवर बिक गए और उसके बदले मुझे क्या मिला ये AA का ट्रेडमार्क शर्ट के ऊपर पैंट के ऊपर बनियान के ऊपर यहां तक कि चड्डी पर भी मैं AA का ट्रेडमार्क लिए घूम रहा हूं उस लड़की को अपने साथ रखकर मैं कितनी मुसीबतें झेल रहा हूं मैं आपको बयान नहीं कर सकता डॉक्टर प्लीज एक बार सिर्फ एक बार उसके घर वालों का पता लगाने के लिए फिर से टीवी और अखबारों में इश्तिहार दे दीजिए नो I'm sorry, मैंने गाना में एक पैसा खर्च नहीं कर सकता Okay, डॉक्टर आप पैसा खर्च मत कीजिए लेकिन मैं अपना दिमाग खर्च करके उसकी पूरी जन्म कुंडली का पता लगा लूंगा एक मिनट दिमाग है तुम्हारे पास खर्च करने के लिए ये तो आपको तब पता चलेगा जब मैं यहाँ से सीधा आजाद पुलिस चौकी जाऊंगा वहां जाकर क्या कर लोगे आनंद बाबू क्या कर लूंगा उस लड़की की फोटो इंस्पेक्टर को देकर यह बताऊंगा कि ये लड़की अपनी पिछली जिंदगी की सारी बातें भूल चुकी है वो अमनीजिया की मरीज है और इस वक्त वो मेरे पास है मेहरबानी करके उसका अता पता ठिकाना तलाश कीजिए तो फिर पुलिस तो क्या उनके फरिश्तों को भी झक मारकर उसके घर वालों को तलाश करना पड़ेगा आनंद सुने तो नो सॉरी अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा समंदर में तूफान उमड़ चुका है रोकने की कोशिश करोगे तो खुद बह जाओगे आजाद चौकी पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर चतुर्वेदी स्पीकिंग हेलो इंस्पेक्टर मैं डॉक्टर आनंद बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब जलन अभी भी है दर्द कुछ कम हुआ या नहीं डॉक्टर साहब जलन बिल्कुल नहीं है और दर्द भी काफी कम हो गया है सब आपकी दवाई का कमाल है भाई वो हमारे हॉस्पिटल से एक पेशेंट पूरी तरह से ठीक होने से पहले चला गया वो एक प्रेस का मालिक है
नाम है आनंद वर्मा। एक मिनट डॉक्टर साहब, एक मिनट। आनंद वर्मा वो अमनीशिया का मरीज है, अपनी याददाश्त खो बैठा है। ओ हाँ, बेचारे पर इतना बुरा असर पड़ा इस मर्ज का कि अपनी बीवी तक को नहीं पहचान पा रहा। अरे रे 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 रे। वो शहर के हर पुलिस स्टेशन में जाता है, अपनी बीवी की फोटो देकर रिपोर्ट लिखवाता है कि उसकी बीवी की याददाश्त चली गई है, उसके रिश्तेदारों को ढूंढ लीजिए। ये तो बड़ा डिफिकल्ट केस है। यस इट इज। अब अगर वो पेशेंट तुम्हारे पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने आए तो उसे सीरियसली मत लेना। या ओके ओके, डोंट वरी डॉक्टर साहब, मैं सब संभाल लूंगा। या ओके। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। यस, मेरा नाम आनंद वर्मा है। आनंद वर्मा? यस सर। आता हूँ आता हूँ, आई एम कमिंग। अरे रे 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 रे, भगवान भगवान। आओ आओ आओ। कैसे चल रहा है तुम्हारा प्रेस? सर आपको क्या समझ मेरा एक प्रेस है? अरे हम पुलिस वालों के पास हर एक की जन्म कुंडली होती है। फोटो भी लाए होगे? यस सर। सर वैसे तो पब्लिक में पुलिस वालों की इमेज थोड़ी सी खराब है, लेकिन आपसे मिलकर ऐसे लगा जैसे स्कॉटर वाली पुलिस भी आपके सामने पानी भरती होगी। हाँ ये देखिए सर, ये लड़की अमनीजिया की पेशेंट है बराबर। सर अपनी पिछली जिंदगी सारी भूल चुकी है बराबर। सर मुझे इसके परिवार वालों को तलाश करना है बराबर। सर आप इंस्पेक्टर नहीं, आप तो जादूगर हैं सर। रिलैक्स रिलैक्स। ये देखिए सर, ये देखिए मेरे रोक के खड़े हो गए। देखिए मैंने देखे देखिए। समझ में नहीं आता आपकी किन शब्दों में आपकी तारीफ करूं। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, जस्ट रिलैक्स रिलैक्स। सर यू आर अ जीनियस, सर यू आर अ जीनियस। आई नो जस्ट रिलैक्स। ओके ओके, कम कम कम, डोंट वरी यंग मैन, इस लड़की के परिवार को ढूंढने की जिम्मेदारी अब मेरी है। यू जस्ट डोंट वरी। और सुनो, इतनी कड़ी धूप में नंगा सर लेकर यूं भटकना नहीं चाहिए, दिमाग पर बुरा असर होता है। तुम घर जाओ और आराम करो। सर वो तो अच्छी बात है, लेकिन जितनी जल्दी मैंने कहा ना, जिम्मेदारी मेरी है, तुम फिक्र मत करो। थैंक यू सर। और सुनो एक बात और, तुम अपने सर पर नींबू रगड़ रगड़ के नहाया करो। वो किस लिए सर? दिमाग की गर्मी कम हो जाती है और दिमाग को ठंडक मिलती है। यू आर रियली काइंड सर। ओह तो थैंक यू वेरी मच। ओके चलता हूं सर। ओके रात को कहा था ना मैंने कि सवेरे देर हो जाएगी उठने में। अरे अरे क्या कर रहे हो? अभी अभी नहा के फ्रेश होके आई हूँ, छोड़ो ना। फिर तो और भी फ्रेश मजा आएगा। तू यहाँ कैसे? अरे मैं तो यहाँ शॉपिंग करने आई थी। और अरे आशा, क्या हुआ आशा? आशा ये क्या कर रही हो? उस चोर का पीछा करके उसे पकड़ने जा रही हो? क्या तुम चोर का पीछा करोगी, वो भी कार में? अनु तुमने कभी मेरी ड्राइविंग नहीं देखी ना, आज देख लो कैसे हवा से बातें करती है गाड़ी। नहीं नहीं, नहीं मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ, मैं सोनू को ले लेता हूँ, उसके बाद तुम्हारे जो जी माए तुम करो। पागल हो गए तुम? डोंट वरी अनु, बी ब्रेव, कितने डरते हो? शट अप, गाड़ी रोको। तुम थोड़ी देर चुप रहोगे प्लीज? मैं कैसे चुप रहूं? अरे अरे आशा, आशा तुम हम दोनों को मरवाओगी, गाड़ी रोको। अनु भाई शट अप। सुनो अरे गाड़ी, क्या कर रही हो तुम? अभी अभी देखो बेटा, लगता है आज तेरा मेरा ऊपर का टिकट कटने वाला है।
हे भगवान बचाना। अरे भाड़ में गई तुम्हारी ड्राइविंग, पता नहीं किसकी गाड़ी है और क्या हाल बना दिया इस गाड़ी का। अब इसके मालिक को क्या जवाब देंगे? ये क्या है देखो? No problem at all. आप इसकी फिक्र मत कीजिए, ये कार भी हमारी है और वो हार भी हमारा था। कार के नुकसान की हमें परवाह नहीं। आप दोनों मियां बीवी ने जिस बहादुरी से उन चोरों का पीछा किया उसकी हमें दाद देनी होगी। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। साहब आपको एसपी साहब बुला रहे हैं। मुझे बुला रहे हैं? जी हाँ, पकड़ना इसको। प्यारा बच्चा है ना। Well done, young man. Well done. क्या तुमने पहले कभी किसी कार रेस में हिस्सा लिया जो इतने बड़े गैंग का पीछा करके उसे पकड़वा दिया? सर, सर वो कार मैंने नहीं, उस लड़की ने चलाई थी। I see. हवलदार। हाँ साहब। कार की डैशबोर्ड में एक फोटो पड़ा है, उसे ले आओ। सर। मिस्टर, सुंदरनगर थाने में किसी ने इस लड़की के गुम हो जाने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। तुम्हारा इस लड़की से क्या संबंध है? नहीं सर, मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। वो अमनीजिया की मरीज है, वो अपनी याददाश्त खो चुकी है। सर 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 वो खामखा मेरे गले पड़ी हुई है। सर आप किसी भी तरह उसे यहाँ से ले जाइए। सर ले जाइए। ओके सर। गुस्ताखी माफ सर, एक मिनट के लिए आप यहाँ आएंगे? इसलिए एक जरूरी बात करनी है आपसे, प्लीज। देखते नहीं, मैं यहाँ भी जरूरी काम से जा रहा हूँ। सर उसी के बारे में मुझे आपको कुछ बताना है, प्लीज। थैंक गॉड। क्या है? सर आप जिसे पूछताछ कर रहे हैं ना, दरअसल वो ही अमनीजिया का मरीज है। क्या? लोकल पार्टी है सर, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, प्रिंटिंग प्रेस है उसका। तो फिर वो लड़की कौन है? अरे वो लड़की नहीं है, उसकी बीवी है। उसकी गोद में बच्चा नहीं देखा आपने? वो तो ठीक है, लेकिन इस लड़की के लापता होने की रिपोर्ट पास के सुंदरनगर पुलिस स्टेशन में किसने लिखवाई है? वो किसने लिखवाई होगी? अरे और किसी ने नहीं सर, इसी ने लिखवाई होगी। ये शहर शहर जाता है, हर पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी पत्नी की फोटो देता है। खुद तो एमनीजिया का मरीज है, लेकिन अपनी पत्नी को एमनीजिया का मरीज बताता है। मुझे भी एक फोटो दी है, देखिए। सीएम के पास भी एक होगी, पीएम के पास भी एक होगी सर। क्या सोच रहे हैं आप सर, ये मेरे एरिया का केस है, मैं इसे सॉल्व करूंगा, डोंट वरी। आप जाइए। एक मिनट सर। सर आप थोड़ा उससे दूर ही रहिएगा, दौरा पड़ता है तब वो कुत्ते की तरह काटने को दौड़ता है। बी केयरफुल सर, बेस्ट ऑफ लक। सर वो लड़की सर, मगर पास बता मैं कहता हूँ, मैं गोली मार दूंगा। चलिए बैठो सर, चलिए हट हट, गोली मार दो। अरे एसपी साहब, एसपी साहब कहाँ जा रहे? मेरी बात सुनिए एसपी साहब, एसपी। डुम डुम, अरे खड़े खड़े वहां क्या दिख रहा है? चल चल मेरी मदद कर, खड़े रहे यहाँ। गाड़ी यहाँ पे क्यों रोक दी? आपने तो कहा था मुन्नी का जन्मदिन है, मंदिर चलेंगे। मंदिर ही तो आए हैं मुन्नी बेटा। जी पापा। प्रेस में अंकल होंगे, जाओ उनके पांव छूकर उनका आशीर्वाद ले लो। ओके पापा। गुड मॉर्निंग अंकल। अरे मुन्नी तुम? मुझे आशीर्वाद दीजिए अंकल। जीती रहो, दूधो नाओ, पूतो भलो। ये लो अंकल, आज मेरा जन्मदिन है। तुम्हारा जन्मदिन है? हैप्पी बर्थडे बेटा। सॉरी मैं तो भूल ही गई थी। ये भी कोई भूलने वाली बात है सावित्री, वो सीन तो तस्वीर बनकर मेरे दिल के आईने में कैद हो गया है। ए जी, कम ऑन, कम ऑन,
stop, 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 stop. I know, you see this red flag? That means it's high tide. ऐसे में swimming करना बहुत खतरनाक होगा. It's very dangerous. No, no, I'm sorry. As a life savior, I cannot allow this. Come back after 2 hours. I said, go back. Come back after 2 hours. हमारा सोनू बेटा इस टोपी बहुत हैंडसम लग रहा है. अरे शर्म नहीं आती, ये हमारा घर थोड़ी ना है. अरे घर क्या और बाहर क्या, मैं तो अपनी बीवी को खाना प्यार से कहीं भी खिला सकता हूँ. संभल कर जाना मुन्नी. रोटी खाएगा है? नहीं तो महीने के बाद खाएगा जब तेरे दांत आ जाएंगे. आशा 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 क्या हुआ आशा? कोई है, कोई है, मुझे को बचाओ. शामू, शंकर, आशा, शामू, वहाँ एक बच्ची समुद्र में डूब रही है, मैं उसे बचाता हूँ, तुम आशा को संभालो. तेरा शुक्र है मुन्नी, मुन्नी, मुन्नी। आप घबराइए मत, पेट में पानी चला गया, पेट थपथपाइए, सब ठीक हो जाएगा. मुन्नी क्या हुआ डॉक्टर, कैसी है मेरी आशा? सिवियर हार्ट अटैक, तुमने उसे लाने में देर कर दी, 10 मिनट पहले ले आते तो शायद. आई एम सॉरी. साहब, समंदर में डूबने वालों की जान बचाना इनका काम है. थोड़ी देर पहले मुन्नी समंदर में नहाने गई थी, वहां तूफानी लहरों में फंस गई. उसी वक्त इनकी बीवी को दिल का दौरा पड़ा, बेचारी दर्द से तड़प रही थी, लेकिन इन्होंने उसकी परवाह नहीं की और अपने फर्ज के खातिर मुन्नी को बचाने के लिए समंदर में कूद पड़े. मुन्नी की जान तो बच गई लेकिन सावित्री, मैं हिसाब में हमेशा कमजोर रहा हूं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि अगर माइनस और माइनस को जोड़ दें तो वो प्लस बन जाता है. इधर आनंद अपनी बीवी को खो बैठा है और उधर आशा अपनी यादाश्त, दोनों बेसहारा है. मैंने ये सोचकर दोनों को एक साथ मिलाया कि शायद दोनों एक दूसरे का सहारा बन जाए. लेट्स होप फॉर द बेस्ट. फिर केले आज कौन आया था और तुमने उसे क्या उठाकर दे दिया? मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ जो किसी एरे गेरे को कुछ भी उठाकर दे दूँ. आज भी मेरे डैडी ही आए हैं. डैडी यानी वही 400 पीस जो उस दिन मेरा चांदी का बर्तन उठाकर ले गया था? डोंट टॉक टू मच. अरे मेरी चांदी की केतली, ये तुम्हें कहाँ मिली? तुमने तो उस दिन ठीक से ढूंढी नहीं, ये वही झाड़ियों में पड़ी हुई थी. डैडी की नजर इस पे पड़ी तो उठाकर ले आए. डैडी कहाँ है वो, कहाँ है तुम्हारे डैडी? फॉलो मी. डैडी डैडी
डैडी डैडी, अरे ये क्या हुआ? कमाल है, अभी तो अंदर आए थे, कहाँ गुम हो गए? गुम हो गए? अरे ये तो देखो उसके साथ और क्या क्या गुम हो गया। क्या? अरे इतने बड़े बड़े मेरे पीतल के लैंप थे, वो कहाँ गए? रोमियो नाम है मेरा, चोरी है काम मेरा, मैं बर्तन चुराऊ लैंप चुराऊ। हमको कुछ ही नहीं मालूम, हमसे कुछ मत पूछो बाबा। क्यों ना पूछूं? तू ही तो हमेशा उनके साथ रहता है। मैं शॉपिंग के लिए पैसे मांगती हूँ तो कहते हैं पैसे नहीं है, और राशन के लिए पैसे मांगती हूँ तो कहते हैं उधार ले लो, और तो और सोनू के लिए कुछ खरीदने के लिए पैसे मांगती हूँ तो कहते हैं अगले महीने देख लेंगे। क्या यार, फिर तुम दोनों सारा दिन प्रेस में बैठकर क्या छक मारते हो? भाभी ड्यूटी वही जाती है जहाँ गुड़ होता है। हमारे प्रेस के बगल में एक ब्यूटी प्रेस है, उसकी मालकिन ब्यूटी आंटी है ना। क्यों ब्यूटी आंटी, क्या देख रही हो? इसे कहते हैं नले पे तैला। मॉर्निंग बॉस। गुड मॉर्निंग। ये कैसा चमत्कार है, ब्यूटी प्रेस में मक्खियां उड़ रही हैं और हमारे यहाँ लोग भिन बना रहे हैं। लगता है लक्ष्मी जी ने आंखें खोल दी है। हाँ पूरी तरह। आपको कितनी का छुपा है? 1000। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। ऐसा करें हम इसको 2000 कर दें? जैसे आपकी मर्जी। सो स्वीट, लेकिन बगल वाले प्रेस से हमारा रेट कुछ ज्यादा है। आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चीज अच्छी हो तो कीमत नहीं देखी जाती। यू आर राइट, हमारी क्वालिटी में और उनकी क्वालिटी में भी बहुत फर्क है। एडवांस प्लीज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। ए अनु, तुम आ गई, आ जाओ, मैं ऑर्डर लेती हूँ, तुम प्रिंटिंग स्टार्ट करो। नेक्स्ट। दो आदमी अंदर जाइए। कोई अंदर नहीं जाएगा, कोई अंदर नहीं जाएगा। क्यों भाई, हम तो लाइन में जा रहे हैं। हमें आपका ऑर्डर नहीं चाहिए, चलिए यहाँ से। ऑर्डर आपको नहीं, हम लड़की को दे रहे हैं। अरे बोलो नहीं चाहिए ऑर्डर। बॉस चल हट। अनु ये क्या किया तुमने, सारे कस्टमर्स को भगा दिया। तुम्हें किसने कहा? मैडम तुम्हें किसने कहा यहाँ का तमाशा लगाने के लिए? तमाशा? कैसा तमाशा? ऐसी ऐसी बेहुदा ड्रेस पहनकर यहाँ तो तुम्हें शर्म नहीं आई? क्यों क्यों, क्या खराब है इसमें? हाँ मैंने कोई टू पीस स्विमिंग कॉस्ट्यूम थोड़ी पहन रखा है। चलो चलो घर जाओ यहाँ से। नो, तुम इस प्रेस से एक पैसे की आमदनी नहीं कर सकते, क्योंकि वो ब्यूटी प्रेस वाले अपने लटके झटके दिखाकर लोगों को पटा लेती है। देखा नहीं, आज मैंने भी जरा से झटके दिए तो कितनी लंबी लाइन खड़ी हो गई। आज से ये प्रेस मैं संभालूंगी। तुम चुपचाप घर जाती हो या नहीं? नो मिस्टर आनंद। डूम डूम नेक्स्ट। एक तो खुले आम जिसे भी नुमाइश कर रही हो, ऊपर से मुझसे जबान लड़ा रही हो। चलो घर जाओ घर जाओ। You have started slapping me also now. Wait wait, come home. I'll also slap you. Shut up. घर में कोई है? क्या है? मैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से आया हूँ, मीटर का रीडिंग लेना है, अपना कार्ड दीजिए। अच्छा एक मिनट। कार्ड लाइए प्लीज। कल आकर ले लेना, अभी जाओ। कौन है ये हमारे ही घर के टेबल के ड्रॉअर से मिला, इसलिए झूठ बोलने की कोशिश मत करना कि मुझे कुछ नहीं मालूम। बताओ कौन है ये? देखो तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं बिल्कुल ठीक समझ रही हूँ, ये तुम्हारे रखे है रखे। रुक क्यों गए? मारो मुझे, मारो। मैं इतने दिन हॉस्पिटल में रही, लेकिन लेकिन तुम एक दिन भी मुझसे मिलने नहीं आए। घर आने के बाद भी कोई ना कोई बहाना बनाकर तुमने हमेशा मुझे अपने से दूर रखा। आज पता चला कि मेरे और तुम्हारे बीच में मेरी बीमारी नहीं बल्कि ये लड़की है। तुम कहते थे प्रश्न काम ठीक से नहीं चल रहा है, अब समझ में आया
कि तुम्हारा कौन सा काम कहाँ ठीक चल रहा है। छी, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इतने फरेबे और मक्कार निकलोगे। अगर ये चुड़ैल तुम्हें इतनी पसंद है तो लाकर बिठा लो घर में। मैं सोनू को लेकर कहीं और चली जाऊंगी। देखो आनंद, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन लेकिन ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। आशा, आशा, आनंद बेकसूर है, इसमें इसका कोई दोष नहीं। दरअसल सारे फसाद की जड़ मैं हूं। तुम दोनों के झगड़े को देखकर अब मैं कुछ भी छुपाना नहीं चाहता और सब कुछ सच सच बता देना चाहता हूं। दरअसल ये तस्वीर वाली लड़की मेरे हॉस्पिटल में काम करने वाली नर्स कमला है। तुम्हें शॉक ट्रीटमेंट देने के लिए मैंने ही तस्वीर जानबूझकर ड्रॉअर में रखवाई थी। मैंने सोचा इस झटके से शायद तुम्हारी कोई हुई याददाश्त वापस आ जाए। आनंद बेचारे को इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं। बेवकूफ, बुद्धू और घोलचू डॉक्टर, आप ऐसा भी कहीं शॉक ट्रीटमेंट दिया जाता है? अब अगर मैंने सोचा अगर कि क्या आपके इस झटके के चक्कर में हमारी बसी बसाई घर घर से झटका खा जाती। अनु, मुझे माफ कर दो प्लीज। अनु, मुझे माफ कर दो ना। तुम्हारी बैग की जिप खुली है, बंद करो। जिप, जिप। मैं मजाक कर रही थी तुम्हारा मूड बदलने के। अनु, डॉक्टर ने कहा कि मैंने मना किया था ना मेरे नजदीक मत आना, फिर क्यों आई? अरे क्या हो गया, अभी इतना चिल्ला क्यों रहे हो? चुप, कहीं कोई ऐसी वैसी बात हो जाती तो। इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो, रिलैक्स। हाथ मत लगाओ मुझे। ओ गॉड, खून, खून है, खून हो रहा है। तुम्हें सर तोड़ दूंगा। ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। तुम अभी मेरे साथ घर चलो और उस बम के गोले को। बम का गोला? हाँ हाँ, बम का गोला, वो लड़की। तुम चलो मेरे साथ चलो और उस लड़की को लाकर अपने घर में रख लो। ठहरो ठहरो, लेकिन बताओ तो सही, कुछ हुआ क्या? क्या खाक बताऊं, जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। आज एक बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। भूल हो गई? भूल, वेरी गुड। अरे दिन सावित्री, सावित्री जी। अरे उनको क्यों बुला रहे? गुटर 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 गुटर। ये नाच गाना किस खुशी में हो रहा है भाई? हाँ, खुशी की बात है सावित्री। आज हमारे हॉस्पिटल के पूरे स्टाफ के लिए एक शानदार पार्टी का इंतजाम करो। पार्टी? पार्टी किस लिए? डॉक्टर, 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 आप मेरी बात का उल्टा मतलब निकाल रहे हैं। अरे लड़के और लड़की के बीच में भूल का एक ही मतलब होता है, याद है वो पिक्चर, एक ही भूल? नहीं डॉक्टर, बात यह है कि सुबह मैं अपने बिस्तर पर सो रहा था। अच्छा अच्छा। वो मेरे पास आकर एकदम सटकर खड़ी हो गई। अरे वेरी गुड। फिर नींद में मैंने उसे अपनी बीवी समझकर अपनी बाहों में समेट लिया। अरे यही तो सृष्टि का स्टार्टिंग पॉइंट है प्यारे। वेरी गुड, वेरी गुड। फिर क्या हुआ? अरे फिर कुछ नहीं, फिर मेरी आंखें खुल गई और मैंने उसे झटक कर दूर कर दिया। डॉक्टर, डॉक्टर, जरा गौर से सोचिए डॉक्टर। एक कुंवारी लड़की के लिए उसकी इज्जत उसकी जान से भी ज्यादा कीमती होती है। अगर आज कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाता। उठिए डॉक्टर, आप अभी मेरे साथ घर चलिए और उसे सच सच बता दीजिए कि उसका नाम आशा नहीं है, वो अपनी याददाश्त खो चुकी है और उसका इलाज कराने के लिए आपने मुझे उसका फर्जी पति बनाया था। उसे बता दीजिए कि वो कुंवारी है, उसकी शादी नहीं हुई, उसका मेरा कोई रिश्ता नहीं है। चलिए और सब कुछ बता दीजिए। बता दिया। क्या बता दिया? मुझे माफ कर दो,
डॉक्टर के इस झूठ में मैं भी कम दोषी नहीं हूं। अगर हो सके तो इस नाटक को एक सपना समझकर भूल जाना। तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं है। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आने। अरे इंटरवल करो ना यार। वो लड़की गई? नहीं, यहीं खड़ी है। उसने कुछ खाया पिया या नहीं? पानी तक नहीं पिया। क्या दुनिया में किसी भी डॉक्टर ने अपने पेशेंट का ऐसा फूलिश ट्रीटमेंट किया होगा? यू सी, कटहल बाहर से देखने में जितना ही कांटेदार होता है, अंदर से खाने में उतना ही मीठा होता है। मेरा ट्रीटमेंट जा... ये आपकी बच्ची है ना, अगर इसकी भी याददाश्त खो जाए तो क्या आप इसे भी मेरी तरह किसी अरे-गरे मर्द के हवाले कर देंगे? हाँ बोलिए सर, बोलिए, जवाब दीजिए। एक बात कहूं, तुम्हें भी मैंने अपनी सगी बेटी समझकर ही ऐसा किया है। मैं अपनी बच्ची की कसम खाकर कहता हूं, तुम्हें तो कुछ याद था नहीं और तुम्हारे अपनों ने तुम्हें भुला दिया था। तब मुझे तुम्हारी चिंता एक डॉक्टर की तरह नहीं बल्कि एक बेटी के बाप की तरह होने लगी। एक बेसहारा कुंवारी लड़की को उसकी खोई हुई याददाश्त लेकर मैं इस दुनिया में अकेला भटकने के लिए कैसे छोड़ देता? इसलिए मैंने तुम्हें आनंद के हवाले कर दिया था। आनंद कोई ऐरा गहरा लड़का नहीं है बेटी। उसने अपना फर्ज निभाने के लिए किसी की जान बचाते हुए अपनी अपनी बीवी की जान कुर्बान कर दी। वो बहुत ही शरीफ और नेक लड़का है। यही वजह है कि उसके पास रहते हुए भी तुम्हारे दामन में आज तक दाग नहीं लगा। बेटी, तुम्हें कल भी कुछ याद नहीं था और आज भी कुछ याद नहीं है, लेकिन उस कल और आज के बीच में एक नई कहानी ने जन्म लिया है। ठंडे दिमाग से सोचो और फैसला करो, उस कहानी को आगे बढ़ाना है या यहीं खत्म कर देना चाहती हो। Thank you.
क्या बात है, बहुत खुश हो रहा है? मां को देख लिया इसलिए? तुम फिर आ गई? ओए जाना जाना, मैंने तुमसे कहा ना मेरा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, फिर दोबारा यहां क्यों आई हो? अगर तुम अपना गुस्सा थूक दो तो मैं कुछ कहने की हिम्मत करूं? प्लीज। हाँ। तुमने मुझ जैसी बेसहारा लड़की को अपने घर में जगा दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने तुम्हारी बीवी के सारे जेवर बेच दिए और उन्हें बुरा भला कहा, उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। मुझे माफ कर दो। और कुछ? हाँ, बस एक बात और। उसे भी क्या डालो, मुझे तुमसे प्यार हो गया। क्या? हाँ आनंद, मैं तुम्हारी सचमुच की पत्नी बनने आई हूँ। आज दिन भी अच्छा है और घड़ी भी बहुत अच्छी है। भगवान के सामने मंगलसूत्र पहनाकर मुझे अपना जीवन साथी बना लो ना। चुप, तू क्यों उछल रहा है? देखो, मैं तुम्हारी यह ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो और चली जाओ यहाँ से। नहीं आनंद, नहीं, ऐसा मत कहो। इतने दिनों तक साथ रहकर मुझे तुमसे और सोनू से एक लगाव सा हो गया है। तुम दोनों से बिछड़कर अब मैं जी नहीं सकती। देखो, वक्त सबको जीना सिखा देता है। तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो और तुम्हारे तौर तरीकों से लगता है कि तुम किसी अमीर खानदान की हो। थोड़ा सा धीरज रखो, तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी, फिर मुझसे भी अच्छे ऊंचे घराने के लड़के तुम्हारा हाथ थामने के लिए तैयार हो जाएंगे। मुझे सिर्फ तुम्हारा हाथ चाहिए। आई लव यू। आई विल किल यू। थैंक यू। तुम ऐसा नहीं मानोगी, चलो मेरे साथ। अब तुम एक मिनट भी मेरे घर में नहीं रहोगी। चलो। छोड़ो मेरा हाथ। इस तरह तो कोई कुत्ते को भी घर से नहीं निकलता। मैं खुद चले जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मेरा कुमारापन मुझे वापस दे दो। क्या? हाँ, मेरी पवित्रता मुझे लौटा दो। तुम्हारी पवित्रता? ऐसा क्या किया मैंने तुम्हारे साथ? क्या किया? भूल गए? कल क्या किया था तुमने? क्या किया था? मेरे पीछे का हुक खोलकर यहाँ सब अपना चेहरा रखकर ये करके दीवाने नहीं हो रहे थे? गलती तुम्हारी थी। जब मैं नींद के झोंके में था तो तुम मेरे पास आकर क्यों खड़ी हो गई? अनजाने में अगर मैंने दो सेकंड के लिए, मिस्टर, दो सेकंड हो या एक सेकंड, एक तरफ तो कहते हो मैं किसी और से शादी कर लूं, फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दूसरों के अमानत पर हाथ डालने की? तो कौन सा बड़ा खजाना था जो मैंने लूट लिया? हा? अब तो तुम ये भी कहोगी कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। चलो चलो, निकल जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ये मेरा घर है। जब तक तुम मुझे अंदर नहीं बुलाओगे मैं यही बैठकर भूख हड़ताल करूंगी। तुम भूख हड़ताल करो, प्यास हड़ताल करो, या तीन ताल करो, मैं अपना फैसला बदल लेने वाला। माँ, भूखे मारे में पागल हो जाऊंगी माँ। ओ, क्या हुआ, सुबह से कुछ खाया पिया कि नहीं? एक बूंद पानी तक। ठीक है ठीक है, चलो अंदर चलकर कुछ खा पी लो। हाँ? एक बार अंदर चलकर खा पी लेने से क्या फर्क पड़ जाएगा, हमेशा के लिए अंदर बुला लो। तो फिर मरो यहीं। अंदर बुला लो, बाप का राज है। आनंद, एक मजबूर लड़की की हाय अच्छी नहीं होती। कल रात से भूखी प्यासी हूँ, सुबह भी कुछ नहीं खाया और दोपहर में भी कुछ नहीं खाया। सोच लो। Thank you.
माँ, भूखे मारे में पागल हो जाऊंगी माँ। ओ, क्या हुआ? सुबह से कुछ खाया पिया कि नहीं? एक बूंद पानी तक। ठीक है ठीक है, चलो अंदर चलकर कुछ खा पी लो। हाँ, एक बार अंदर चलकर खा पी लेने से क्या फर्क पड़ जाएगा? हमेशा के लिए अंदर बुला लो। तो फिर मरो यहीं। अंदर बुला लो, बाप का राज है। आनंद, एक मजबूर लड़की की हाय अच्छी नहीं होती। कल रात से भूखी प्यासी हूँ, सुबह भी कुछ नहीं खाया और दोपहर में भी कुछ नहीं खाया। सोच लो। कैसी हो बेटी? आइए डैडी, आइए, बस आप ही की कमी थी, आइए। बेटी। डैडी। क्या बात है बेटी, ये बाहर क्यों बैठी हो? दामाद जी की राह देख रही हो क्या? हाँ जी, बैठिए बैठिए बैठिए। ऐसा लगता है आज आपके दिल में मेरे लिए कुछ ज्यादा ही प्यार उमड़ रहा है। क्यों 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 क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो? इनका साइज देखकर पता चलता है ना। ओ, इनका आजकल इनका सीजन चल रहा है ना। डैडी जी, आप अपने दामाद को मुझसे भी ज्यादा चाहते हैं ना? ये भी कोई पूछने की बात है? मैं अपने दामाद को इतना चाहता हूँ कि भूख उनको यहाँ लगती है, बेहोश मैं वहाँ हो जाता हूँ। अरे रे रे रे, आज तो आप बेहोश यहाँ होने वाले हैं। आनंद, दामाद जी घर में, मैं जाता हूँ। नहीं डैडी जी, आप बैठ जाइए। आनंद, क्या कि मुझे जरूरी काम है, मुझे जाना है। अरे 400 रुपए फेंक दूंगी यहाँ से। अरे बेटी, मार। अरे, 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 ये क्या कर रही हो? कौन है ये? इसका गला क्यों दबा रही? छोड़ इसे, छोड़। कैसे छोड़ दूं? ये वही आदमी है जो मेरा बाप बनकर केले लाता था और घर की चीजें उठाकर ले जाता था। इसकी शक्ल पे मत जाना, ये एक नंबर का चोर है। मुझे माफ कर दो बेटा। अरे मुझे माफ कर दो बेटा। अरे माफ करने के लायक नहीं हो। नमस्ते सर। अब क्या हुआ सर? इस आदमी को मैं जानता भी नहीं हूँ, इस आदमी को मैंने देखा भी नहीं है, लेकिन ये सर, इसका भी अता पता मुझे मालूम करना पड़ेगा। नहीं सर, ये आदमी मेरा ससुर होने का नाटक करके मेरे घर में घुसाया और मेरा सारा सामान। समझ गया समझ गया समझ गया। प्लीज टू मीट यू सर, मेरा नाम इंस्पेक्टर चतुर्वेदी है। मेरा नाम मिस्टर नटवर लाल है। uh-huh. लेकिन आज तक मैंने किसी का नट टाइट नहीं किया, किसी के साथ चीटिंग नहीं की। आई एम फ्रॉम अ रॉयल फैमिली सर। वो रियली? हाँ, तिहार, नाटक, ऑथर और ये सब हमारी रियासत में आते हैं। ये तो जेल है। नहीं, मेरे घर है। ओह, सो नाइस टू मीट यू सर। सर, ये आदमी एक नंबर का चोर, धोखेबाज है और आप इसे हाथ मिला रहे। वेरी रॉन्ग सर। चुप चुप, तुम एक अमनीजिया पेशेंट हो। डॉक्टर दयानंद ने तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बता दिया है। अपनी बीवी को बीवी नहीं मानते हो तो तुम उसके बाप को तुम क्या पहचानोगे? अमनीजिया कहीं का? सर, डॉक्टर ने मेरे बारे में नहीं, उस लड़की के बारे में बताया होगा। आप गलत समझ बैठे हैं। What? मैं तुम्हें गलत समझ रहा हूँ? इंस्पेक्टर चतुर्वेदी को तुम क्या बेवकूफ समझते हो? अरे इंस्पेक्टर जी, इंस्पेक्टर जाने दो, सब ये मेरा दामाद है इंस्पेक्टर जी। दामाद जी, घर जाके केले खाओ, नहीं तो इनके हाथ की दो चार खानी पड़ जाएगी। जाओ दामाद जी। मिस्टर नटवर लाल, मैं तुम्हें देख लूंगा, तुम्हें देख लूंगा। जाओ दामाद जी, जाओ। आई नॉट नो सी मिया। इंस्पेक्टर साहब, मेरा सिगरेट का पैकेट। पागल हो गए हो क्या? पुलिस कभी देती नहीं है। गेट आउट। गेट आउट। ये तो मेरा भी बाप निकला। आनंद, इतनी रात गई, एक जवान लड़की को इस तरह ठंड में बेसहारा छोड़ रहे हो? तुम्हारे दिल में जरा भी दया नहीं है? दया चाहिए तो डॉक्टर दयानंद के घर जाओ। बोलो तो अभी छोड़ाता हूँ। नहीं नहीं, मैं यहाँ ठंड में कुल्फी बनकर जम जाऊंगी, मगर कहीं और नहीं जाऊंगी। तो फिर पड़ी रहो वहीं। मेरे अनु, प्लीज। यार, तूने पार्टी तो बहुत बढ़िया दी, मगर शराब के साथ अगर कुछ शबाब का भी इंतजाम हो जाता ना तो मजा आ जाता। ए भिड़ो, हो गया इंतजाम। चलो पटाते हैं यार। पटाना ही पड़ेगा यार। हाय बेबी। हाय। यहाँ अकेली बैठी क्या कर रही हो? Nothing, just time pass. पासी में एक पार्क है, अपुन के साथ चलेगी? मजे से टाइम पास हो जाएगा एक घंटे के लिए। मुझे कोई एतराज नहीं है। वो मकान देख रहे हो ना? वहाँ मेरा आदमी रहता है।
उससे जरा बात करके आ जाइए। ओ लगता है अंदर वाले से रेट फिक्स करके एडवांस देना पड़ेगा। ठीक है दे देंगे। आनंद तुमसे मिलने कोई पार्टी आई है। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। ये तो मेरा यकीन ही नहीं करता। अरे भाई साहब हम सचमुच तुमसे मिलना चाहते हैं। हाँ तुमसे कुछ खास बात करनी है। जाओ 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 जाओ। दिन भर जब प्रेस खुला हुआ था तब कोई नहीं आया, अब रात को घर पर आके दरवाजा खटखटा रहे हैं। जरूर कोई अर्जेंट ऑर्डर होगा। आइए आइए ना अंदर बैठकर आराम से बात करते हैं। अपने पास बैठने हटने का टाइम नहीं है, जल्दी से रेट बताओ फटाफट। भाई साहब हम हमेशा वाजिब रेट लगाते हैं, बाजू वाली ब्यूटी की तरह डबल रेट नहीं लगाते। सुना भिड़ू बाजू में भी ब्यूटी है। अरे पता ही नहीं चला यार, तुम्हारे बारे में भी अभी अभी पता चला है। पहले मैं इस इलाके में बहुत मशहूर था, लेकिन जब से वो बाजू वाली ब्यूटी ने नई नई जवान लड़कियां काम पर लगाई हैं, अपना धंधा कुछ ठंडा हो गया है। और वैसे भी उसकी सारी मशीनें लेटेस्ट हैं और मेरी मशीन जरा पुरानी हो गई है। नहीं तो देखने में तो पुरानी नहीं लगी, एकदम फ्रेश लगी। अरे भाई साहब देखने वाले को क्या मालूम, चलाने वाले से पूछो। जो भी हो यार मामला जल्दी से रफा दफा करो। पहले मैं तुम लोगों को एल्बम दिखा देता हूँ, कौन सा टाइप चाहिए तुम लोग डिसाइड कर लो, बाद में रेट फिक्स कर लेंगे। एल्बम? हाँ एल्बम देखकर तो तुम लोग आइडिया मिलेगा। यार एल्बम वेल्बम देखने की जरूरत नहीं है, हमने लड़की को अपनी आंखों से देख लिया। लड़की को देख लिया क्या मतलब? अरे यार वहाँ पे जो लड़की बैठी है ना उसी ने हमें यहाँ भेजा है रेट फिक्स करने के लिए। तो तुम लोग इतनी देर उस रेट की बात कर रहे थे? और नहीं तो क्या। सालो हरामी के पिल्लो तुम लोगों ने तो मेरा पेशा ही बदल दिया। अभी बताता हूँ मैं तुम लोगों को। अरे किधर भागता है साले, तेरे दूध के दांत अभी टूटे नहीं और तुझे लड़की चाहिए? लड़की नहीं तो यहाँ भेजा था बात करने के लिए। अगर दोबारा इस लड़की ने मेरे घर में कदम रखा तो मैं ये शहर छोड़कर चला जाऊंगा। ये सब क्या है? नाराज मत हो बेटे, पहले मेरी बात सुन लो। मैं जानता था कि ये लड़की अपनी आदर्श खो चुकी है, इसलिए मजाक मजाक में इसका बाप बनकर घर में आने जाने लगा और ये छोटी मोटी चीजें उठाता रहा। लेकिन बेटे अब मैं सचमुच इसे अपनी बेटी की तरह चाहने लगा हूं। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, मेरी बेटी को स्वीकार कर लो। सिर्फ मुझे ही नहीं आनंद, डैडी तुम्हें भी अपने सगे दामाद की तरह चाहते हैं। वो देखो वो कार तुम्हें तोहफे में देने के लिए लाए हैं, वो भी एयर कंडीशन। थैंक यू वेरी मच। तुम दोनों उस टीन के डब्बे में बैठो और दफा हो जाए यहां से। दामादी में कितने प्यार। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, हट जाओ मेरे रास्ते से। सुना नहीं मैंने क्या कहा? हट जाओ। की क्या आनंद, डैडी इतने प्यार से तो कितनी बार कहा तुमसे मेरे घर मत आया करो, फिर भी तुम बात नहीं आती। चलिए आया से, चल पैर निकाल, पैर निकाल और चुप बैठ। क्यों उठाया तुमने इसे? आनंद मैं वादा करती हूं आज के बाद मैं यहां कभी नहीं आऊंगी। सोनू को मेरे पास रहने दो, सिर्फ आज भर के लिए, शाम को मैं इसे छोड़कर चले जाऊंगी। प्लीज कल भी इसे मुझे ही संभालना है, तो फिर आज क्यों नहीं? आज इसने मुझे देख लिया इसलिए रो रहा है, कल से ये मुझे ना देखेगा ना रोएगा। मेरा दिमाग मत खराब करो, ला बच्चा दे दो मुझे। मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, सोनू को मेरे पास रहने दो, सिर्फ आज एक दिन के लिए। प्लीज आनंद आई बेग यू। आनंद बाबू आप तो समझ गए ना, भगवान भी यही चाहता है कि तुम्हारी शादी आशा के साथ हो जाए, इसीलिए इतने बड़े एक्सीडेंट से बच गए।
नेक्स्ट टाइम ट्रक से तो क्या जंबो जट से भी टकराओगे ना, तब भी कुछ नहीं होगा। नो प्रॉब्लम, आई प्रॉमिस यू, नो प्रॉब्लम। मेरा बच्चा? बच्चा आशा के पास है, वो आपके लिए प्रार्थना करने मंदिर गई है। अच्छा एक्सक्यूज मी, मैं बाकी पेशेंट्स को देखती हूँ। ले 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 ले। वैसे तो तुम हमेशा अपने बच्चे को कंगारू की तरह साइकिल पर बिठाकर घुमा करते थे। आज जरूर तुम्हें किसी जोशी ने कहा होगा कि तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला है, इसीलिए तुम इसको साथ लेकर नहीं गए हैं। सोनू को मेरे पास रहने दो, आज एक दिन के लिए प्लीज आनंद। उड़ा दूं इसे, उड़ा दूं। वापस आ गया आनंद। खाना तैयार है, आ जाओ। आता हूँ, आता हूँ। अरे आ जाओ ना। आ जाओ, आ जाओ, आओ ना। ए डुमडुम, कौन है वो? आपके ससुर जी। ससुर जी, आओ ना, चलो। अरे क्या कर, आप इतना घबरा क्यों रहे? जो हुआ बॉस को साफ साफ बता दीजिए ना। कुछ बताने की जरूरत नहीं है, तू चुप रह। ये हो क्या रहा है, तू ही बता दे डुमडुम। ए बॉस, जब एक्सीडेंट के बाद आप अस्पताल में थे ना, तो वो सीट का बच्चा कोर्ट से अपनी प्रेस की नीलामी का ऑर्डर लेकर आ गया। मैंने सोचा अब चोरी का लाश, मगर ठीक वक्त पर ये बाबूजी ने आकर अपनी सारी जमीन जायदाद बेचकर आपका सारा कर्जा चुका दिया। मुझे गलत मत समझना बेटे, भगवान ने मुझे दौलत तो बहुत दी, लेकिन मेरे अपनों को मुझसे छीन लिया। पिछले साल लातूर के भूकंप ने मेरे पूरे परिवार को निकल लिया। मैं इस दुनिया में अब बिल्कुल अकेला हूं बेटे। अगर मुझे कल को कुछ हो जाए तो मेरी चिता को आग देने वाला भी कोई नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों के आसपास घूमता रहता हूं। बेटे सच मानो, मेरा और कोई स्वार्थ नहीं है। अंदर चलिए, अंदर चलिए डैडी, साथ में बैठकर खाना खाएं। चु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 च
ख्याल रखना। ओके। Thank you.
बजने लगे हैं सपने तुम्हारे सनम। खोई खोई आँखों में सजने लगे हैं सपने तुम्हारे सनम। जानम मेरी जानम, जानम मेरी जानम, एक पल जिएंगे ना हम तुम बिछड़ के, आओ ये खाएं कसम। एक पल जिएंगे ना हम तुम बिछड़ के, आओ ये खाएं कसम। कामयाब हो ही गया।
थैंक यू। बहुत देर तक भगवान से प्रार्थना कर रही थी, क्या मांगा भगवान से? तुमने क्या मांगा? पहले तुम बताओ फिर मैं बताऊंगा। मैंने भगवान से कहा, हे भगवान, मेरी खोई हुई याददाश्त कभी वापस मत लौटाना। मैं आनंद के लिए बनी हूं और आखिरी सांस तक आनंद के ही बनकर रहना चाहती हूं। अब तुम बता। मैंने भगवान से कहा कि तुमने मुझसे मेरी आशा छीनकर मुझे और सोनू को बेसहारा कर दिया था। अब मुझे दूसरी आशा मिली है, कहीं इसे भी मुझसे छीन मत लेना भगवान। वाह क्या बात है, लगता है कबूतर अटरिया पे चढ़ गया है। अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए डॉक्टर साहब, हम दोनों आपके पास आने ही वाले थे। मैंने और आशा ने शादी का फैसला कर लिया है। वेरी गुड। ये शुभ समाचार सुनने के लिए कब से मेरे कान तरस गए थे, और शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। मैं अभी मंगलसूत्र और माला लेकर आता हूँ, फिर फटाफट इसी मंदिर में शादी की रस्म पूरी कर देंगे। नहीं डॉक्टर, पंडित जी ने परसों का मुहूर्त निकाला, बाकायदा निमंत्रण छापकर विधि रिवाज के अनुसार शादी करेंगे। नो प्रॉब्लम, मैं भी कल पास के शहर में एक मकान देखने जा रहा हूँ, शाम तक लौट आऊंगा, फिर परसों इसी मंदिर में धूमधाम से शादी रचाएंगे। सुनो, सिर्फ 24 घंटे बचे हैं, कोई रेसल वेसल करनी हो तो कर लेना, बाद में ऐसा ना हो कि बहन मौके पर आई प्रॉब्लम हो सकती है ना। लगता है तूने दुनिया से उड़ जाने का फैसला कर लिया है। मिस्टर बहादुर कुछ नजर नहीं आ रहा, क्या है? कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तुम मकान दिखाने वाले दलाल हो या डफर हो? 40 किलोमीटर दूर से कार भगाकर मैं यहाँ आया हूँ, और तुम कह रहे हो कि मकान का मालिक बाहर गया हुआ है और चाबी भी नहीं है? इस शीशे में झांक कर क्या मैं 20 लाख का बंगला खरीदूंगा? सॉरी सर। अरे क्या सॉरी सॉरी, इस कॉलोनी के सारे बंगले एक जैसे हैं। जी सर। तो ऐसा करो, उन साहब से परमिशन लेकर आओ, उनके बंगले को देखकर आइडिया लगा लूंगा। वो बड़ा सनकी आदमी है साहब, किसी से बात ही नहीं करता। अरे इसकी ब्लू मारुति के पीछे विद लव लिखा है। तुम ऐसे प्यारे आदमी को सनकी कहते हो, ये क्यों नहीं कहते कि तुम पूछना नहीं चाहते? ठीक है मैं खुद ही पूछ लेता हूँ। गुड मॉर्निंग मिस्टर, मिस्टर बंगला ही देखना है ना, देख लीजिए। तो आपने हमारी सारी बातें सुन ली। नशे में भी काफी होश में रहते हैं। प्लीज एक्सक्यूज मी, आपने इस तस्वीर वाली लड़की को कहीं देखा है क्या? नहीं, नहीं तो मैंने इस लड़की को कहीं नहीं देखा है। फिर इतनी गौर से इस तस्वीर को क्यों देख रहे थे? नहीं नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि कितनी आर्टिस्टिक तस्वीर है, क्या क्या फोटोग्राफी है। वैसे ये लड़की है कौन? आप जल्दी से मकान देखिए और चलते बनिए। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। हेलो दोस्त। यस। ऊपर बेडरूम में जिस लड़की की तस्वीरें लगी हैं, तुम जानते हो कौन है? उसका नाम अनीता है। ये जो ऊपर गया ना अजय, उसकी प्रेमिका। एक दिन वो अचानक गायब हो गई, जब से वो गई है ये दीवानों की तरह दिन काट रहा है। क्यों, आपने उस लड़की को कहीं देखा है? नहीं नहीं, लड़कियों को तो मैं वैसे भी नहीं देखता, लेकिन उसकी देवदास जैसी शक्ल और हाथ में शराब का गिलास देखकर ही मैं समझ गया था कि मामला जरूर किसी लव स्टोरी का है। ओके बाय। मिस्टर बेचारा का रास्ता तो साफ हो गया, मगर इस देवदास की जिंदगी का भी थोड़ा उद्धार करना चाहिए। नो प्रॉब्लम। सुनो बरखुरदार, मैं उम्र में तुमसे बड़ा हूं, इसलिए जाहिर है कि जिंदगी के बारे में तुमसे थोड़ा सा ज्यादा जानता होऊंगा। एक बात कहूं,
कहिए। कहते हैं और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, प्यार तो जिंदगी की किताब में एक सिर्फ एक पन्ना है, अगर वो पन्ना फट जाए तो पूरी किताब उठाकर बाहर नहीं फेंक देते, आगे के पन्ने भी पलट कर देखने चाहिए। इसलिए कह रहा हूँ कि अगर वो लड़की तुमको पिछले 3 महीनों से नहीं मिली तो अब क्या मिलेगी? हो सकता है कि ठीक 3 महीने से अनीता गायब है, ये आपको कैसे मालूम? मर गया। वो क्या है कि मेरी जबान काली है, अंधेरे में तीर मारा था साला, निशाने पर लग गया। क्या आप सचमुच अनीता के बारे में कुछ नहीं जानते? अरे आप क्या कसम खानी पड़ेगी, तुम तो पीछे पड़ गए यार, सॉरी। बाप रे, इसीलिए कहता हूँ दयानंद कम बोला कर, तेरी बकबक की आदत से आज बेचारे आनंद की जिंदगी में क्लाइमेक्स शुरू हो जाता। भाग भाग। बोल मेरे चोनू बेटे, बोल बोल बोल। माँ माँ बोल, माँ बोल। चोनू चोनू इधर देखो, एक बार माँ बोल दे, प्लीज 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 चोनू, एक बार मम्मी कह दे मैं तुझे ढेर सारे पपिया दूंगी, प्लीज प्लीज चोनू चोनू, एक बार माँ कह दे बाबा, एक बार चोनू 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 चोनू, माँ बोल माँ माँ। हाय डैडी के पास बाद में जाना, इधर देख माँ बोल माँ माँ। हाय ये क्या ना, सोनू को 1 साल हो रहा है लेकिन अभी तक इसे माँ बोलना नहीं आता। वो क्या है कि हम लड़के बड़े सबर वाले होते हैं, हर काम सोच समझ कर आराम से करते हैं, लेकिन तुम लड़कियां बड़ी बातूनी हो, जल्दबाज होती हो, जब देखो बड़बड़ बड़बड़ करती रहती हो। ये बात नहीं, लड़कियां कपूर की तरह होती हैं, तिली लगी नहीं कि जलकर रोशनी देने लगती हैं, और तुम लड़के ट्यूबलाइट की तरह होते हो, बहुत देर से जलते हो। बिल्कुल सही कहा आपने, हम लोग ट्यूबलाइट हैं और देर से जलते हैं, लेकिन एक बार शुरू हो जाए ना तो हम लोगों का पावर देखने लायक होता है। क्यों भाई, मैं हॉर्न बजाता तो आ रहा था, पुलिस की गाड़ी है तो क्या सर पे चढ़ा दोगे? ठीक है रिवर्स लेता हूँ, नो प्रॉब्लम। वाला देवदास पीछा कर रहा है। ओह माय गॉड मिस्टर बेचारा, मैंने अपने हाथों से तुम्हारे पांव पे कुल्हाड़ी मार दी, अब तो एक क्लाइमेक्स शुरू हो गया, नो रिवर्स, आगे बढ़ना ही पड़ेगा। लगता है उसने हमें देख लिया है। ए भैया इधर आओ, इधर आओ। क्या बात है साहब? फॉरन फाटक बंद कर दो। क्यों? अभी तो कोई ट्रेन आने का टाइम नहीं। अरे ट्रेन नहीं आ रही, तेरे हाथ में 100 रुपया तो आ रहा है ना, लो। अच्छा साहब। फाटक खोलो। बोतल? अरे वाह! फाटक खोलो जल्दी। तुम उस तरफ देखो। हाँ सरकाई लो खटिया जाड़ा लगे। ये क्या गा रहे हैं? लोरी गा रहा था। अरे वाह लीजिए सुनो। आशा अरे चाय कॉफी पीने का वक्त नहीं है, रात को 1 साथ बादाम वाला दूध पी लेना, जल्दी चलो जल्दी, हमें अभी सब शिव मंदिर पहुंच कर शादी की रस्म पूरी करनी है। लेकिन लेकिन शादी तो कल है। अरे कुछ मत पूछो, वो पंडित तुल्लू का पट्टा निकला, अचानक आकर कहने लगा कि मुहूर्त देखने में उसे भूल हो गई है, कल का दिन अशुभ है, आज ही शुभ मुहूर्त है, बल्कि 1 घंटे के अंदर शादी हो जानी चाहिए, इसलिए मैं जल्दी जल्दी पूरी तैयारी के साथ आया। आनंद कहाँ है? वो तो आजाद पुलिस स्टेशन गए हैं इंस्पेक्टर चतुर्वेदी को शादी का कार्ड देने। सुनो मिस्टर नटवरलाल, मैं आशा को लेकर सीधा पहाड़ी वाले शिव मंदिर में जा रहा हूँ, तुम ऐसा करना। अरे समझ गया, यहाँ से आजाद पुलिस स्टेशन जाकर दूल्हे को लेकर शिव जी के मंदिर पहुँच जाऊँ, यही ना? डन। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। क्या है सर? ये लीजिए। अब ये क्या है? सर मेरी शादी का कार्ड है। तुम्हारी शादी? जी सर, कल सुबह पहाड़ी वाले मंदिर में, ठीक 7:30 बजे। अरे तो तुम्हारी पहली बीवी का क्या होगा? सर
उसका तो स्वर्गवास हो गया ना। तो फिर ये लड़की कौन है? सर ये वही है जिसकी तस्वीर मैंने आपको दी थी। दी, तुम अपनी बीवी के साथ दोबारा शादी कर रहे हो? नहीं सर, ये तो कुंवारी है। ये एक मिनट ठहरो 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 ठहरो, पहली बीवी मर चुकी है, उससे दोबारा शादी हो रही है, दूसरी जो है कुंवारी है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, पहली बीवी मर चुकी है, उससे शादी है, दूसरी कुंवारी। पागल हो जाऊंगा मैं। नहीं सर, मैं आपको समझाता हूँ। अरे मुझे कुछ नहीं समझना भैया, मुझे माफ करो, तुम्हारे जो जी में आए ना वो तुम करो। अच्छा एक बात बताओ, ये कार्ड तुमने पूरे शहर में बांट दिए? नहीं सर, आप ही से शुरुआत की है। अच्छा तो दूसरों को पागल बनाना अभी बाकी है। सर आप मुझे गलत समझ रहे हैं। Excuse me, sir. क्या है अब तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? सर मैं अपनी कार में आ रहा था और मेरे आगे वाली कार में से ये टेप रिकॉर्डर गिर गया। मुझे किसी तरह उस कार के मालिक को ढूंढकर ये टेप रिकॉर्डर वापस करना है। कार का नंबर है MP6116। ए भैया ये RTO का ऑफिस लग रहा है क्या तुझे? ये पुलिस स्टेशन है। सर MP6116? हाँ। व्हाइट कंटेसा थी? यस। अरे ये तो अपने डॉक्टर दयानंद की गाड़ी है। किसी की भी गाड़ी हो उससे मुझे क्या लेना देना। सर मैं उनके घर ही जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चलिए। और सर सुबह 7:30 बजे का मुहूर्त है, आप भूलना मत प्लीज। नहीं भूलूंगा, नहीं भूलूंगा। और तू भी वो नींबू वाली बात मत भूलना। कैसे भूल सकता हूँ सर, हर रोज लगाता हूँ, फिर भी ये आलम है। आनंद, डॉक्टर दयानंद पहाड़ी वाले मंदिर में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पहाड़ी वाले मंदिर में? इसलिए? पता नहीं, बस इतना कहा कि बहुत अर्जेंट काम है। अर्जेंट काम है? अब कोई बात नहीं, हम वही चलकर उनसे मिल लेते हैं। मर गया। क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो मेरे साथ। अरे? क्या बात है? डॉक्टर साहब बोले नहीं, क्या हुआ? इसके अंदर क्यों? बताता हूँ एक खास बात है, चलो। तो चीज बड़ी है, मस्त मस्त। मुझे यहाँ क्यों ले आए हैं? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ऐसी नास्तिकों वाली बात मत करो, पाप लगेगा। ये इस मंदिर की सबसे पूज्य पवित्र और शक्तिशाली जगह है। तुम आंखें बंद करके भगवान का ध्यान करो और जब तक मैं वापस आऊं ध्यान तोड़कर बाहर मत आना, समझी? आंखें बंद करो, हाथ जोड़ो। काम मर गया वो डॉक्टर का बच्चा, हम सबको यहाँ पर बुलाकर खुद गायब हो गया। उल्लू का पट्टा, टाइम की बिल्कुल सेंस ही नहीं उस गधे को। अरे मुझे मिल जाए ना बेटा तो मैं उसके कूड़े पर ऐसे जोरदार लात मारूं। अरे देखो नहीं का बेटा, डॉक्टर को कहा है कि वो जिंदगी भर याद रखे। हाँ 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 डॉक्टर। कुछ पता चला डॉक्टर? नहीं, सब जगह देख लिया, कहीं नहीं मिला। मैं नीचे देख रहा था। मिस्टर अजय, डॉक्टर साहब की गाड़ी नीचे है, मतलब वो यहीं कहीं होंगे। जब तक डॉक्टर साहब नहीं आते हम यहीं उनका इंतजार करेंगे। बेवकूफ अपने हाथों से अपने पांव पर कुल्हाड़ी फेंकेगा, ये शादी नहीं बर्बादी करवाएगा। बस बहुत हो गया भगवान का ध्यान, बाहर आ जाओ। इस मंदिर की एक और परंपरा है, क्या? जैसी भगवान का ध्यान हो जाए एक दो तीन कहकर दौड़ जाना चाहिए। कहां तक? अपने घर तक, मगर... और सवाल करने की जरूरत नहीं है। एक दो तीन भागो, कम ऑन। डॉक्टर साहब वैसे वक्त के बहुत पाबंद है लेकिन, अरे ये तो डॉक्टर साहब की गाड़ी जा रही है, मुझे यहां बुलाकर खुद कहां जा रहे हैं? मिस्टर आनंद, उन्होंने जरूर मुझे यहां आते हुए देख लिया होगा, इसीलिए यहां से भाग गए। भाग गए? हम्म। आपको देखकर भागने की उन्हें क्या जरूरत थी? सच बात यह है कि डॉक्टर आज सुबह मेरे घर आए थे। डॉक्टर साहब जरूर उस लड़की के बारे में कुछ जानते हैं और मुझसे छुपाना चाहते हैं, लेकिन मिस्टर अजय आपके पास उस लड़की की कोई तस्वीर है? हाँ। इसका नाम अनीता है, हम एक दूसरे को जान से भी ज्यादा चाहते थे।
सर, कल मेरी शादी नहीं है सर। तो आप मेहरबानी करके मेरा शादी का कार्ड वापस लौटा दीजिए। दुनिया के पहले आदमी हो तुम जो अपनी शादी का कार्ड देने के बाद वापस मांगने आए हो। लाता हूँ, लाता हूँ। उस पागल की शादी में जाने के लिए 2000 रुपए की साड़ी खरीदने को किसने कहा था? ये लो तुम्हारा कार्ड। ये नींबू रोज ये सो आनंद, अजीब बेवकूफ आदमी हो तुम। मैंने तुम्हें मंदिर में अकेला बुलाया था, तुम उसे साथ लेकर क्यों आ गए थे? आप उसे देखकर भाग क्यों गए? भाग, अरे भागता नहीं तो क्या करता। मैंने उसे कुछ कर्जा लिया था जो मैं लौटा नहीं पा रहा था। क्या पूछा था उसने? आपके घर का पता पूछ रहा था, वो मैंने बता दिया। अच्छा ठीक है, मैं निपट लूंगा। और तो नहीं कुछ पूछ रहा था वो? नहीं। आशा अंदर नहीं है, वहां बैठी है। कल सुबह तुम टाइम पर मंदिर पहुंच जाना, खूब धूमधाम से शादी रचाएंगे, ठीक है? ठीक है। गुड। आशा, आनंद। आशा चलो घर चले। अरे तुम कब आए? थोड़ी देर पहले। चलो चले। आनंद थोड़ी देर बैठो ना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। घर पर कर लेंगे, सोनू अकेला होगा। नहीं नहीं, सोनू सो गया है। मैं डैडी को सोनू के पास बिठा के आई हूँ। आनंद कल हमारी शादी होगी ना? ऐसा क्यों पूछ रही हो? पता नहीं क्यों सुबह से मेरी दाई आंख फड़क रही है। डैडी कहते हैं लड़कियों के दाई आंख का फड़कना अपशगुन होता है, और ऊपर से उस डॉक्टर ने आकर एकदम कंफ्यूज कर दिया। आनंद मुझे बहुत डर लग रहा है, इसलिए मैंने शेरा वाली माँ की मन्नत मांगी है। शादी होते ही हम पहले वैष्णो देवी दर्शन के लिए जाएंगे। क्या हुआ आनंद, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कुछ नहीं आनंद, कल हमारी शादी जरूर होगी ना? हाँ आशा, कल सुबह शादी जरूर होगी। वेरी वेलकम। उमा पद्मा, माफ करना बहन जी, ये शादी हो रही है, मातम नहीं। आप लोगों की रोनी सूरत देखकर मेहमान लोग वापस चले जाएंगे, इसलिए यू गो एंड यू कम प्लीज स्टैंड। डॉक्टर साहब सब तैयार है? अरे यहाँ तो सब तैयार है, लेकिन दुल्हन कहाँ है? वो सामने देखो। जानम मेरी जानम, जानम मेरी जानम, खोई खोई आंखों में सजने लगे हैं सपने तुम्हारे सनम, खोई खोई आंखों में सजने लगे हैं सपने तुम्हारे सनम। जानम मेरी जानम, जानम मेरी जानम, एक पल जिएंगे ना हम तुम बिछड़ के, आओ ये खाए कसम। एक पल जिएंगे ना हम तुम बिछड़ के, आओ ये खाए कसम। जानम मेरी जानम, जानम मेरी जानम,
दिनों से है मेरा तुम्हारा मिलन। तू है सूरज, मैं हूँ तुम्हारी किरण। फूलों से खुशबू कैसे जुदा होगी, नदियाँ से धारा कैसे खफा होगी। मिल ना सकेंगे अगर इस जन्म में तो लेंगे दोबारा जन्म। जानम मेरी जानम, जानम मेरी जानम, जानम मेरी जानम, जानम मेरी जानम। के बिछड़ जाना है, पाकर खोना, खोकर ही कुछ पाना है। दिल से दिल के तार मिलाए जो, प्यार वही है बिछड़े यार मिलाए जो। तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है तो क्यों तेरी आंखें हैं नम। जानम मेरी जानम, खोई खोई आँखों में सजने लगे हैं सपने तुम्हारे सनम। एक पल जिएंगे ना हम तुम बिछड़ के, आओ ये खाए कसम। जानम देखा अनीता, प्यार में कितनी शक्ति है। हम शादी के मौके पर ही बिछड़े थे और आज हमारे प्यार ने हमें शादी के मौके पर ही दोबारा मिला दिया। मंगलसूत्र पहनाइए। Oh,
हम दोनों की जान ले सकते हो, हमें खत्म कर सकते हो, लेकिन हमारे प्यार को नहीं। अनीता! तुम्हारे भाई को मारपीट करते हुए देखकर पुजारी पुलिस को लेकर आ गए थे। पुलिस तुम्हारे भाई को गिरफ्तार करके ले गई। सर में चोट लगने की वजह से मैं 15 दिनों तक हॉस्पिटल में बेहोश रहा। तुम जान देने के लिए समुंदर में कूद गई थी, ये बात मुझे होश में आने के बाद ही मालूम हुई। लेकिन तुम्हारी लाश नहीं मिली थी, इसलिए मेरा दिल कहता था कि तुम जिंदा हो। आज मेरे दिल की बात सच निकली। अब मुझे दूसरी आशा मिली है, कहीं इसे भी मुझसे छीन मत लेना भगवान। अनीता, क्या हुआ? क्या हुआ अनीता, तुम रो क्यों रही हो? आखिर वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। माना कि ये कुर्बानी देकर तुम बहुत बड़े महात्यागी कहलाओगे, लेकिन इस बेचारी के दिल पर क्या गुजरेगी ये कभी सोचा तुमने? वक्त हर दुख का इलाज है डॉक्टर, सब ठीक हो जाएगा। क्या खाक ठीक हो जाएगा, अब सब कुछ मुझे ही ठीक करना पड़ेगा। डॉक्टर चुप रहो, डॉक्टर चुप रहो। बताओ अनीता, अनीता प्लीज। ये अनीता बनीता नहीं, आशा बन चुकी है। आशा? हाँ आशा। और तुम ऐसा करो, पुरानी लव स्टोरी भूल जाओ और मेरे एक सवाल का जवाब दो। मुझे क्या जरूरत है आपके सवालों का जवाब देने की? जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि ये सवाल मेरा नहीं, इस नाजुक मौके का है। तुम्हारी माँ अब भी जिंदा है? नहीं, कुछ साल पहले उनका स्वर्गवास हो गया। ओह वेरी गुड। मेरा मतलब है जब वो मरी थी तुम रोए थे। ये कैसा वाहियात सवाल है? मेरे सवाल ऊपर से ऐसे ही वाहियात लगते हैं प्यारे, लेकिन उनके अंदर बहुत गहराई होती है। अब जवाब दो, जब तुम्हारी माँ मरी थी तुम रोए थे कि नहीं? हाँ रोया था। हाँ, अब अपनी माँ की मौत को याद करो और दोबारा रोकर दिखाओ। व्हाट नॉनसेंस, मेरी माँ को मरे एक जमाना हो गया, उसे याद करके मैं अभी कैसे रो सकता हूँ? एग्जैक्टली, 100% करेक्ट। तुमने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है। ये जो भूल जाने का वरदान इंसान को मिला है ना, ये भगवान की सबसे बड़ी देन है। यादों के आईने में जब वक्त की धूल जमती है तो चेहरे धुंधले हो जाते हैं। इस लड़की को देखो, ये 3 महीने पहले तुमसे बिछड़ गई थी, लेकिन आज तुमसे मिलकर ना तो ये खुशी से उछल पड़ी है, ना दौड़कर तुम्हें गले लगा लिया है। उल्टे दुखी होकर आंसू बहा रही है, जानते हो क्यों? इसलिए कि इस लड़की को इस बात का दुख ज्यादा है कि इस आदमी के अंधेरे जीवन में आशा की किरण जगाकर आखिर में उसे निराश करना पड़ेगा। बरसों पहले अपनी मरी हुई मां को याद करके तुमसे आज रोया नहीं जा रहा, क्योंकि तुम्हारा यह गम अब ताजा नहीं है। लेकिन इस बेचारी के सपनों की मौत तो अभी अभी हो रही है। इस आदमी से जुदा होने का गम अभी इसका ताजा है। इसके दुख को मिटाने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए, इसका फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूं। डॉक्टर, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप उसका जवाब दीजिए। मेरा जवाब यह है कि जब मेरी मां मरी थी मैं तब भी नहीं रोया था और आज भी नहीं रोऊंगा। डॉक्टर मेरा सवाल ये नहीं है। आज जब ये लड़का मेरी बात मानकर यहां से जाने के मूड में आ गया है और क्लाइमैक्स खत्म हो रहा है, तो तुम क्यों कि एक किराए पर पानी फेर रहे हो? चलो यहां से। नहीं डॉक्टर, पहले आप बताइए, मौत के दरवाजे पर खड़े किसी मरीज को आप अच्छा कर देते हैं और वो जब हाथ जोड़कर आपके सामने शुक्रिया अदा करता है तो आप उसे क्या कहते हैं? मैं कहता हूं कि जवाब दीजिए, आप उसे क्या कहते हैं? यही कि मेरे बाप, मैंने कुछ नहीं किया, एक डॉक्टर होने के नाते अपनी ड्यूटी निभाई है बस। ठीक कहा आपने, ये लड़की जख्मी हालत में समंदर किनारे बेहोश पड़ी हुई थी, मैंने इसे देखा और इंसानियत के नाते इसे उठाकर आपके अस्पताल ले आया, ये मेरी ड्यूटी थी। एक डॉक्टर होने के नाते आपने इसकी जान बचाई, ये आपकी ड्यूटी थी। अब हम दोनों की ड्यूटी खत्म हो चुकी है। नहीं मैंने कहा ना, हम दोनों की ड्यूटी खत्म। कहते हैं लव इज ग्रेट, प्यार में वाकई बहुत शक्ति होती है। उसी शक्ति ने मौत के मुंह से बचाकर नई जिंदगी दी है। डॉक्टर, इन दोनों का दोबारा मिलना भगवान का फैसला है,
हमें इस फैसले को मान लेना चाहिए और इन दोनों को शादी के बंधन में बांधकर खुशी खुशी विदा कर देना चाहिए। आइए आइए, आप लोग अंदर पधारिए, हमारे साथ आइए आइए। आप दुल्हन को मंडप में ले आइए। मंगलम कुंडली काश्य मंगलाय तनुहरी ओम जयंती मंगला काली भट्ट काली कृपालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वाज शादिके त्रिंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अब कन्या को मंगल सूत्र पहनाइए। कहा था प्यार में बहुत शक्ति होती है, लेकिन उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है मां की ममता। मां से बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं होती, कोई रिश्ता नहीं होता, कोई जज्बा नहीं होता। ऑल द बेस्ट। देखा, मैंने कहा था ना, मेरा इलाज हमेशा लाजवाब, बेहिसाब और कामयाब होता है। अब तुम आज शादी करो, कल शादी करो, या बिना शादी के ढोल बजाओ, नो प्रॉब्लम। टिंग टिक्का डिंग टिक्का डू, डिंग टिक्का डिंग टिक्का डिंग टिक्का डू। सर, कल मेरी शादी है सर। Thank you.